नमस्कार, ज्योग्राफी के क्लास में आपका स्वागत है। मैं विकास सिंह। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के मैदान के बारे में। तो देखते हैं कि भारत के मैदान के बारे में हम क्या क्या बात करेंगे। इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स हमने ज्योग्राफी के लिए अलग अलग तरीके से देखा है। हम लोग भारत के मैदान में भारत के मैप से बात करेंगे। मैप के साथ हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से भारत के मैदान को हम लोगों ने डिवीजन किया है। एक बात याद रखिएगा कि आप अपने कॉपी और पेन को चलाते रहेंगे, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैप आपने शायद परचेज कर लिया होगा, तो मैप भी आपके पास होगा, पेन और कॉपी भी चलाएंगे, लेकिन हर चीज आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, रिटेन में मिल जाएगा। तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। पहले हम आपको समझाएंगे और फिर आपको रिटेन में चीजों को दिखाएंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे भारत के मैदान को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत के मैदान को, हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक है नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, एक है नॉर्दर्न प्लेन और एक है कोस्टल प्लेन। जरा हम लोग एक बार देखते हैं मैप के ऊपर में और फिर धीरे धीरे बात करते हुए चलेंगे। ये जो हरा कलर आपको दिखाई दे रहा है, जो ग्रीन कलर से हमने यहाँ पे बनाया है, ये नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है, भारत का। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे कोस्टल इलाका, ये कोस्टल प्लेन है, ठीक है ना, जो ऑलमोस्ट येलो कलर का है, तो वो कोस्टल प्लेन है। कोस्टल प्लेन को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, बेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। देखो, ये बेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ये क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो हम इन सब को अभी बात करने वाले हैं आपके सामने में, मैप के साथ बात करेंगे। लिखी हुई चीज जैसे कि मैंने आपको बताया आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा रिविजन कराता हूं। ये आपका हिमालय का रेंज है, इसको काराकोरम बोलते हैं, ये लद्दाख है और ये जास्कर है, जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ये बात हम लोगों पहले कर चुके हैं, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। उसके बाद हम देखते क्या है कि ये जो पार्ट है जिसको हमने क्या बोलते हैं, नंगा पर्वत से लेकर के नमचा पर्वत तक देखा है, ये महान हिमालय का पार्ट है। और फिर महान हिमालय में ही हम देखते हैं, सॉरी, हिमालय में ही देखते हैं कि हम यहाँ पे मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय को यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय को। तो ये हिमालय का पार्ट है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है और ये क्या है, प्लेन है। तो इसको देखने से आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होगी। तो अब जब चीजें समझ में आ रही है तो मैं आपको क्या कहूंगा कि आप अपने कॉपी पे लिखे नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। क्या लिखे, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, भारत का उत्तरी जो मैदान है वो आप लिखेंगे, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। अब जब नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया लिखते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हमको क्या है, ये हिमालय वाला रिवीजन था, चूंकि इससे हमारा रिलेटेड ये चीजें हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे बताया आपको। तो नॉर्दर्न प्लेन में आप लोग पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, या फिर जो मैं अब आपको बताने वाला हूं कि नॉर्दर्न प्लेन भारत का किन किन राज्यों में फैला हुआ है, कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो उसको आप देखिएगा। ये फैला हुआ ये है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, छोटा सा पार्ट झारखंड का है, डब्ल्यू बी और असम, इन राज्यों में ये फैला हुआ है नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, इन राज्यों में फैला हुआ। तो आप अपने कॉपी में क्या लिखेंगे कि ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और असम के राज्यों में उत्तरी मैदान फैला हुआ है। ये बात हो गया, चलिए पहले तो ये पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट यहां पर ये हो जाएगा, चूंकि ये जो मैदान है ये नदियों के द्वारा लाई गई डिपोजिशन से बना है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। दरअसल हिमालय निर्माण के साथ, मेरी कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझिएगा, हिमालय के निर्माण के साथ यहाँ पे गर्त का निर्माण होता है, गड्ढे का निर्माण होता है। मैंने आपको बताया था कि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जो यूरेशियन प्लेट को यहां पे क्या करती है, धक्का मारती है। ये बात अगर हमने आपको कहा है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेन है जो यूरेशियन प्लेट को क्या करती है, धक्का मारती है, ये ऊपर वाला यूरेशियन प्लेट है और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। और धक्का कहां मारती है, तो धक्का मारती है टेथिस सागर के जगह पे, टेथिस सागर, मैं दूसरे कलर से कर दूं, टेथिस सागर के जगह पे धक्का मारती है यहां पे, टेथिस सागर के जगह पे। और धक्का मारने के बाद जो टेथिस सागर का मलबा है वो हिमालय का निर्माण कर देती है। ये बात आप पहले भी जानते हैं, मैं फिर से बता देता हूं,
ये हिमालय का निर्माण कर देती है। अब चूंकि हिमालय का निर्माण अलग अलग चरणों में हुआ है, अलग अलग समय पे हुआ है, तो इसके जो चरण है, इसके जो लेयर है वो तीन है, महान हिमालय, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय। तो यहाँ पे तीन लेयर भी मैं बना दिया। लेकिन ये तो हो गया ऊपर उठने की बात, यानी कि हिमालय के निर्माण। लेकिन जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट, जब दो प्लेटें टकराती है ना, तो जिनकी डेंसिटी या जिसका जो कम डेंस होते हैं वो नीचे की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और जो ज्यादा डेंस होते हैं वो नीचे की तरफ रह जाता है। तो ये जो है, ये यहां पे जब नीचे की तरफ यहां पे मुड़ा, इस जगह पे मैं दूसरे कलर कर देता हूं, ये जब नीचे की तरफ मुड़ा यहां पे, तो यहां पे एक गर्त का निर्माण भी कर दिया। यानी कि अब आप देखिए, जो खाली जगह है टेथिसी का, वहां पे हिमालय का निर्माण हुआ, और हिमालय के निर्माण के साथ साथ गर्त यानी कि गड्ढे का भी निर्माण हुआ। और जब गर्त का निर्माण हुआ तो वो गर्त और कोई नहीं बल्कि यही है जो आपको दिखाई दे रहा है, मैदान, जो भारत का विशाल मैदान, उत्तरी विशाल मैदान कहते हैं, वही गर्त है। तो अब क्या हुआ, पॉइंट को समझने कीजिएगा, अब क्या हुआ कि चूंकि मैं यहाँ पे कलर चेंज करके बताता हूं, चूंकि आप देख रहे हैं कि ये आपका इंडस है, और इंडस की यानी कि सिंधु नदी है, और सिंधु की सहायक नदी है जो कि आप झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज के रूप में जानते हैं, ठीक है। और ये आपका गंगा है, और गंगा के सहायक नदी जो कि यमुना है, गंडक है, गोमती है, ठीक है, बहुत सारे कोसी है, महानंदा है, सोन है, बहुत सारे नदी के बारे में आप जानते हैं जो गंगा के ट्रिब्यूटरीज है। और ये आपका ब्रह्मपुत्र है जो कि ब्रह्मपुत्र और उसके ट्रिब्यूटरीज जैसे कि तिस्ता है, लोहित है, ये सारे ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज है, उनके बारे में आप जानते हैं। तो ये जो प्रमुख तीन नदियां हैं जिसको हम लोगों ने इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र कहा, ठीक है, इन्हीं तीन नदियों के साथ या इनके ट्रिब्यूटरीज, इन्हीं तीन नदियों के साथ मतलब इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी और उसके सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जो सेडिमेंट है, सेडिमेंट को बोलते हैं अवसाद हिंदी में, ठीक है, जो सेडिमेंट है वो उस गर्त में सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों साल तक, यहां पे करोड़ों साल सीधे कर लीजिए, करोड़ों साल तक वहां पे डिपॉजिट होते रहा, डिपॉजिट होते रहा, और उस डिपॉजिट होने का परिणाम आज आपके सामने में विशाल मैदान के रूप में है, विशाल मैदान के रूप में है। तो ये जो पॉइंट आपने देखा है कि किस तरीके से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी और उसके सहायक नदी सदियों से इस गर्त में सेडिमेंट को डिपॉजिट करते रहे हैं और आज नदी क्या बोलते हैं, मैदान का निर्माण कर दिए हैं, ये डिपॉजिशन आज भी चल रहा है। ये डिपॉजिशन क्या है बेटा, आज भी चल रहा है, आज भी मैदान का निर्माण हो रहा है, और आज भी हिमालय ऊपर की तरफ क्या है, उठ रहा है। तो ये प्रक्रिया आज भी चल रही है। तो इसलिए इस मैदान को, जो ये मैदान है, उसको फेमस रूप से कहा जाता है इंडो गंगेटिक मैदान, इंडो गंगेटिक प्लेन, फेमस रूप से कहा जाता है इंडो गंगेटिक प्लेन, फेमस रूप से। लेकिन इसको इंडो गंगेटिक और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, यानी कि इंडस, गंगा एंड ब्रह्म ब्रह्मपुत्रा प्लेन, तो इसको दोनों नाम से जाना जाता है, फेमस है इंडो गंगेटिक। लेकिन जब इंडो गंगेटिक की बात करते हैं तो हम WB यानी कि वेस्ट बंगाल पे आके रुक जाते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल के मैदान के निर्माण करने में ब्रह्मपुत्र का योगदान नहीं है, लेकिन असम के मैदान के निर्माण करने में ब्रह्मपुत्र का योगदान है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र चूंकि वेस्ट बंगाल तक नहीं पहुंचती है, हाँ, इस बंगाल के मैदान का, बांग्लादेश जिसको बोलते हैं, चूंकि वो हमारे देश में है नहीं, तो इस बांग्लादेश के मैदान के निर्माण में ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों का योगदान है, क्योंकि दोनों की धारा वहां मिल जाती है और एक सिमली धारा जो है ना बे ऑफ बंगाल में जाकर के समाहित हो जाती है, मिल जाती है। तो पॉइंट यहां पर ये है कि असम के मैदान के निर्माण में ब्रह्मपुत्र का योगदान है, लेकिन इधर के मैदान के निर्माण में ब्रह्मपुत्र का योगदान नहीं है। तो इसलिए इंडो गंगेटिक भी कभी कभी कह दिया जाता है, असम के मैदान को अगर छोड़ दे तो, और असम के मैदान को अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं तो इंडो गंगेटिक और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी इसको क्या कहा जाता है, कह दिया जाता है। अब इस मैदान की लंबाई की बात करें तो लगभग लेंथ लगभग 2400 किलोमीटर इस मैदान की लंबाई है, लगभग 2400 किलोमीटर इस मैदान की लंबाई है, कहीं कहीं आपको 3200 किलोमीटर लिखा हुआ मिल जाएगा,
320 किलोमीटर कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इस मैदान के बारे में, तो आप परेशान नहीं होइएगा। वैसे 2400 किलोमीटर वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है ना। तो इसका लेंथ 2400 किलोमीटर है, ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद इस मैदान के बारे में हम लोग अगर बात करें तो कहां से कहां तक फैलाव है, ये चीजें तो आप लोगों ने देख लिया, और क्या कहा जाता है, किस तरीके से निर्माण प्रक्रिया हुआ है, उसके बारे में बात हम लोगों ने कर लिया। अब पॉइंट है कि इस मैदान को हम डिवीजन करें तो चार भागों में बांटते हैं, डिवीजन करें तो चार भागों में बांटते हैं, ठीक है, चार भागों में इस मैदान को बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहला भाग है भाभर, भाभर, सबसे पहला भाग क्या है, भावर। तो आप भी अपने कॉपी में भावर कर लेंगे, हालांकि लिखा हुआ हर चीज मिल जाएगा, आप सिर्फ समझिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये भावर का मैदान है। दरअसल भावर का मैदान कहां होगा वो हम एक बार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं मैप के ऊपर में अच्छे तरीके से। देखिए, चूंकि ये गंगा वगैरह है इसको हम छोड़ देते हैं, भावर का मैदान शिवालिक के पदीय प्रदेश में पाया जाता है, यानी कि फुटहिल ऑफ शिवालिक। शिवालिक, शिवालिक का मतलब क्या होता है, आउटर हिमालय, क्योंकि आउटर हिमालय को क्या कहा जाता था, शिवालिक। तो शिवालिक के फुटहिल पे पाया जाएगा भावर का मैदान, और ये लगभग आपको यहां से तिस्ता नदी, तिस्ता नदी चूंकि जानते हैं कि हमारे क्या बोलते हैं, सिक्किम से निकलती है और किस तरीके से ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल जाती है, हम जब नदी पढ़ाएंगे तो तिस्ता के बारे में बात करेंगे। तो तिस्ता नदी तक इसका फैलाव है भावर का इलाका, और ये भावर का इलाका बिल्कुल ही फुटहिल ऑफ शिवालिक रेंज है, यानी कि आउटर हिमालय का सबसे पर्वत पदीय प्रदेश है, पर्वत के नीचे का प्रदेश है। तो जब आउटर हिमालय का सबसे नजदीक का प्रदेश है तो सिंपली दो तीन बातें यहां पे दिखाई देता है। पहला पॉइंट यहां पर यह है कि यहां पे नदी के द्वारा जो लाए गए कंकड़ पत्थर है, या हिमालय के निर्माण के समय के जो कंकड़ पत्थर है टूट फूट करके, वो यहां पर ज्यादा पाए जाएंगे, यानी कि यह इलाका क्या होगा, कंकड़ीला होगा, कंकड़ीला। ये कंकरीला किस लिए होगा, चूंकि नदी, चूंकि अब हिमालय हमें बताया तो हिमालय के, सॉरी गंगा बताया तो गंगा के हिसाब से चलते हैं, चूंकि गंगा यहां आ रही है, और जब गंगा आती है तो शुरुआती में इसके वेग बहुत तेज होते हैं, यानी कि कोई भी नदी जब अपने यंग एज में होता है, अपने यंग अवस्था में होती है, तो उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बहुत तेज होती है, और उसके कारण वो सेडिमेंट्स को कैरी करके दूर तक लेके जा सकती है, सेडिमेंट को कैरी कर सकती है, बड़े सेडिमेंट्स को भी। तो वो जो बड़े सेडिमेंट्स है वो कैरी करके, आप जब चूंकि इसकी गतिज ऊर्जा में यानी कि उसकी क्षमता में कमजोरी आ जाती है, तो फुटहिल इलाकों में आकर के क्या कर देता है, वो डिपॉजिट कर देता है, डिपॉजिट कर देता है। इसलिए ये जो भावर का इलाका है ये कंकरीला है, कंकड़ पत्थर का बना हुआ इलाका है। पहला पॉइंट यहां पर देख लीजिए कैसा बना हुआ है, कंकड़ पत्थर का इलाका। हम आपको मैप भी दिखाएंगे भावर का, पहला। दूसरा पॉइंट यहां पर मैप आपको दिखाता हूं, ये भावर का इलाका है, कंकड़ पत्थर का बना हुआ है, ठीक है, कंकड़ पत्थर का, और नदी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन नदी इन इलाकों में छुप जाती है। यहां पर तो आपको थोड़ा सा दिखाई भी दे रहा है, आप अगर वैष्णो देवी या कुन इलून इलाकों में जाएंगे तो आपको सिर्फ आवाज सुनाई देगा कि नदी बह रही है, लेकिन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो पत्थरों के नीचे होती है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि नदियां यहां छुप जाती है, रिवर डिसअपीयर हियर, नदियां यहां क्या होती है, छुप जाती है। ये भावर का इलाका है, देख लो बेटा अच्छे तरीके से, नदियां यहां छुप जाती है। अब जब इस इलाका को हम देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि यहां पे एग्रीकल्चर हो सकता है क्या, क्या खेती हो सकती है, नहीं। तो एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, यहां पर किसी प्रकार की खेती नहीं होगी, कंकड़ पत्थर में हल कौन चला करके उसको खेत बनाएगा, नहीं हो सकता है। कंकड़ पत्थर का जगह है, कंकड़ पत्थर से बना है, और ऊपर में भी कंकड़ पत्थर रहती है, यानी कि मिट्टी है नहीं, मिट्टी अगर है भी तो उसको आप नहीं खोद सकते हैं, क्योंकि वो पत्थरों के नीचे, पत्थरों के में समाया हुआ है, ठीक है। तो ये इलाका क्या है, एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है, कल्चर के लिए सुटेबल नहीं है। अब ये आपका क्या है, भावर का इलाका जो आपने यहां पे देखा, और ये मैप जो आप यहां पे भावर को देख रहे हैं, ये भावर का इलाका है तिस्ता नदी तक। अब जरा देखते हैं कि हम यहां पे जो बात आपको बताए हैं वो पॉइंट्स क्या क्या हमने लिखा है, फिर आपको हम इस डिवीजन के अगले चरण में लेकर के चलेंगे। तो जब पॉइंट्स को यहां पर हम देखने की कोशिश करते हैं,
तो हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमने क्या क्या बात किया। तो हमने प्लेन ऑफ इंडिया के बारे में बात किया, जो नॉर्दर्न प्लेन और कोस्टल प्लेन है। उसके बाद हमने कहा कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, दो भागों में हमने इसको बांटा है। नॉर्दर्न प्लेन के बारे में हमने क्या बताया कि इसको इंडो गंगेटिक प्लेन या इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। ये बात हमने दोनों यहाँ पे लिख दिया है, मैंने आपको समझा दिया है किस वजह से एलुवियल सोयल का बना हुआ है, जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ। ये बात हमने नहीं बताया, ये बात अभी हम आपको आगे बताने वाले थे। एलुवियल सोयल का बना हुआ है, इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज डिपॉजिट सेडिमेंट फॉर मिलियन ऑफ ईयर एंड मेक्स द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। ये बात हमने बताया कि ये नदियां और इनकी सहायक नदियां सदियों तक इसमें डिपॉजिशन करती आ रही है और आज भी कर रही है, और इस महान मैदान का निर्माण किया है। और इस मैदान का जो एक्सपेंशन है वो कहाँ है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और असम में। लेंथ इसका 2400 किलोमीटर है। ये सारी बातें हमने आपके साथ शेयर कर लिया है। अब देखते हैं कि हमने बताया था डिवीजन ऑफ प्लेन, तो जब ये डिवीजन की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले भावर का इलाका है, भावर का। और भावर के इलाका में हमने क्या बताया था, कहां से कहां था कि तो इंडस से तिस्ता तक फैला हुआ ये इलाका है भावर का, इंडस से तिस्ता तक, ये बात हमने आपको बताया। फिर हमने बताया था कि फुटहिल ऑफ शिवालिक, यानी कि शिवालिक जिसको आउटर हिमालय कहते हैं, उसके पर्वतपदीय प्रदेश पे है। फिर हमने कहा कि रिवर जो है ना यहाँ पे हैवी मटेरियल या रॉक को डिपॉजिट करता है, जिससे नदियां यहाँ छुप भी जाती है, तो रिवर डिसअपीयर हियर, ये भी बात हमने बताया। और फिर हमने कहा कि एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है, तो ये भावर है। बाकी तराई, बांगर और खादर, ये भी बात हम ये आपके साथ करने वाले हैं मैप के साथ। तो ये मैप के साथ हमने बात किया था और जो बात किया वहां पर ये लिखा हुआ है। तो आप लोग अपने कॉपी में परेशान नहीं होंगे लिखने के लिए, आप सिर्फ बातों को अच्छे तरीके से समझिए, लिखा हुआ हर चीज आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और फिर से मैप पे वापस आते हैं। जब मैप पे वापस आते हैं तो हम क्या पाते हैं कि भावर के बाद हमारे पास एक दूसरा है, उसको कहते हैं खादर का इलाका। मैं यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं, भावर के बाद तराई, तराई का इलाका। तराई को हरा कलर से अगर मैं करूं आपको दिखाई देगा कि नहीं देगा, ये तराई का रीजन है जो आपको मैंने हरा कलर से यहां पे डार्क कर दिया। ये क्या, कौन सा रीजन है, तराई का, तराई यहां पे लिख देता हूं मैं, तराई, ठीक है। ये तराई का रीजन है। अब तराई के रीजन को समझिए, सबसे पहला पॉइंट तो जो दिख रहा है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये भावर के बिल्कुल साउथ में है। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि साउथ ऑफ भावर, यानी कि भावर के इलाके के दक्षिण में स्थित है। आपको दिखाई भी दे रहा है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, आपको पता चल रहा है ना। तो भावर के साउथ में है, सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया तराई। तराई के बारे में दूसरा पॉइंट यहां पर क्या है कि ये मार्सी लैंड है, दलदली है। दलदली किस लिए है तराई, तो देखो चूंकि जो भावर का इलाका है वहां पे नदी छुप जाती है, लेकिन तराई के इलाका में नदियां यहां पे बाहर निकल जाती है, यानी कि रिवर री इमरजेंसी, रिवर यहां फिर से बाहर निकल जाती है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि कौन से रीजन में रिवर बाहर निकल जाती है, तो तराई के रीजन में। नदियां जब यहां पर बाहर निकल जाती है तो उसका पानी यहां ठहर जाता है, थोड़ा सा इसमें ठहराव आ जाती है, और उस ठहराव के कारण क्योंकि नदी यहां पे अपनी कैचमेंट एरिया को बनाता है, तो उस ठहराव के कारण यहां की जो मिट्टी है और यहाँ के जो पूरे क्षेत्र है वो थोड़ा सा दलदली हो जाता है, मार्सी लैंड हो जाता है। और दलदली होने के कारण यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि तरह तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाएंगे। और जब तरह तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे यहाँ पाए जाते हैं तो रिच इन बायोडाइवर्सिटी होते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी में क्या होते हैं, वो संपन्न क्षेत्र होते हैं। हो गया, तो चूंकि पानी है यहाँ पे और पानी जानते हैं कि जीवन है, और जहां जीवन होगा वहां पे जीव जंतु, फ्लोरा एंड फौना, जीव जंतु के साथ साथ पौधे, ये रंग बिरंग के होंगे, अलग अलग तरीके के होंगे, फूड चेन भी बड़ा अलग अलग तरीके का होगा और एक दूसरे को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा फूड चेन भी। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में बहुत रिच होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए भी ये सुटेबल जगह है, क्योंकि चूंकि यहाँ पानी है और मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी है, तो यहाँ पे वैसे यहाँ
यहाँ पे वैसे फसल ज्यादा पाए जाएंगे, यहाँ पे वैसे फसल ज्यादा होंगे जिसको पानी और धूप की जरूरत है। तो मक्के की, गन्ने की खेती सबसे बेहतरीन है, गन्ने की खेती होगी, राइस की खेती यहाँ पे हो सकती है। तो ये जो इलाका है तराई का, ये बायोडाइवर्सिटी में रिच है, ठीक है, मार्सी लैंड है, ये बात भी समझ लीजिएगा, और बिल्कुल ही भावर के साउथ में है तराई का रीजन। तराई के बाद यहां पे एक आता है बांगर या भांगर, बांगर बोल दीजिए या भांगर, और एक दूसरा है खादर, यानी कि यहां पे खादर, ठीक है, भावर, तराई, बांगर, खादर, ये मत मैंने लिख दिया, वहां पे लिखा हुआ भी। अब बांगर और खादर को समझिए, तराई को समझ में आ गया ना, तराई लिखा हुआ है आपको मिल जाएगा, मैं फिर से रिवीजन कर दूंगा। पहले पॉइंट देखिए मैप पे, ठीक है। अब बांगर और खादर की अगर बात करें तो बांगर एक ऐसी जमीन है, देखो इन इलाकों में पाए जाएंगे, या हर वैसा इलाका इन इलाकों में पाए जा सकते हैं, इन इलाकों में पाए जा सकते हैं, हर वैसा इलाका जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा है वो मिट्टी बांगर होगा, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा है, क्योंकि बाढ़ के पानी अपने साथ एक नई मिट्टी की परत ले जाती है और नई मिट्टी की परत खादर कहलाती है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा बड़ा, बाढ़ के पानी से बांगर और खादर को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी अलग अलग कर सकते हैं बाढ़ के द्वारा। तो जहां पे बाढ़ नहीं पहुंचा वो जगह बांगर है, क्योंकि वहां पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, नई जलोढ़ तो पहुंच नहीं पाई, और जहां पे बाढ़ की पानी पहुंच गई वहां पे नई जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि बाढ़ का पानी अपने साथ कटाव करके नई मिट्टी लेके जाती है और वहां पे बिछा देती है जहां पे बाढ़ की पानी जाती है। तो बिछे हुए जगह में नई जलोढ़ मिट्टी होती है जिसको खादर कहते हैं। तो नई जलोढ़ मिट्टी खादर हो गया, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर हो गया। तो ये पुरानी क्यों है, क्योंकि वहां बाढ़ के पानी नहीं पहुंचते हैं तो पुरानी है, और यहां बाढ़ के पानी पहुंच गया तो ये नई जलोढ़ मिट्टी है तो खादर है। समझ में आ गया। अब चूंकि वो बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है तो वहां की मिट्टी में कंकड़ पत्थर का थोड़ा सा मिल जाएगा, थोड़ा बहुत कंकड़ पत्थर, चूंकि बहुत पुरानी है तो समय के साथ उसमें ये डेवलपमेंट हो जाएगा, जबकि खादर में कंकड़ पत्थर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी मिलेंगे। तो ये पॉइंट समझिएगा, खादर और बांगर दोनों ही बहुत उपजाऊ मिट्टी है, बांगर और खादर दोनों ही बहुत उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन खादर कंपेरेटिवली मोर फर्टाइल देन बांगर, यानी कि खादर की मिट्टी बांगर की मिट्टी से ज्यादा उपजाऊ है। अगर हम इसको सही अर्थों में बात करें तो खादर की मिट्टी बांगर की मिट्टी से ज्यादा उपजाऊ है, यानी कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी खादर की मिट्टी होती है, और वो कहां पाया जाएगा, बाढ़ के इलाका में। अब बाढ़ कहां आता है अपने यहां, तो देखो बिहार के उत्तरी बिहार में ज्यादा बाढ़ आता है, उत्तरी यूपी में बाढ़ आता है, वेस्ट बंगाल के कुछ इलाकों में बाढ़ आता है, आपको पता है, ठीक है ना, असम के कुछ इलाकों में बाढ़ आता है, तो यहां पर खादर मिट्टी है। और बाढ़ कहां नहीं आता है, पंजाब में बाढ़ कम सुनेंगे, थोड़ा बहुत इलाका जहां आता होगा पंजाब में बाढ़ कम सुनेंगे, हरियाणा में बाढ़ कम सुनेंगे, उत्तरी जो दक्षिणी जो भाग है बिहार और यूपी का वहां पे बाढ़ कम सुनेंगे, बाढ़ आते हैं लेकिन कम सुनेंगे। तब जहां कम सुनेंगे, जहां कम आते हैं वहां पर बांगर मिट्टी होने की संभावना ज्यादा होती है, वहां पर बांगर मिट्टी ज्यादा होगा। तो यह भी बात मैंने बता दिया कि बाढ़ कहां होते हैं कहां नहीं होते हैं। तो इस इलाके से, इस तरीके से भी आप बांगर और खादर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। मैंने यहां पे बनाया है कि ये इलाका जहां पे दक्षिणी बिहार और दक्षिणी यूपी का इलाका है वहां पे बाढ़ कम आते हैं तो वहां पे बांगर मिट्टी पाया जाएगा, हरियाणा पंजाब के इलाकों में बाढ़ कम आते हैं तो वहां पे बांगर मिट्टी पाए जाएंगे। तो ये एक पॉइंट है। और खादर कहां, जहां बाढ़ आते हैं वहां खादर। अब कहां कहां बाढ़ आते हैं इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, ये तो वेल नोन चीजें है कि कहां कहां बाढ़ आती है। तो डिवीजन भी हम यहां पे देख लिए, भावर, तराई, बांगर और खादर। और इस डिवीजन को हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पॉइंट एक्सप्लेन किया है और क्या हमने आपके लिए लिख के रखा है, और आप उसको कैसे, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा उसको। ये है आपका तराई रीजन जो आपको यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये तराई रीजन है। देखिए किस तरीके से जंगली जानवर बहुत सारे हैं, बहुत से पेड़ पौधे, पानी यहाँ जमा हुआ है, स्टैग्नेंट है, ठहरा हुआ पानी है। यहाँ पर देखिए पेड़ पौधे हैं जो पानी के अंदर में है, ठहरा हुआ जगह है, ये यहाँ पे अपना कैचमेंट एरिया बनाने की कोशिश कर रहा है कटाव करके। तो ये इलाका भी तराई का रीजन है जहाँ पे, तो ये तराई का रीजन है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए तराई का रीजन। इससे पहले आपने भावर के रीजन को भी देखा है, ठीक है।
चलिए अब यहां पे देखते हैं जो चारों पॉइंट है उसको हम यहां पे एक बार देख लेते हैं। आपने देखा है किस तरीके से भावर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तराई को देखिए, फाउंड इन साउथ ऑफ भावर, ये बात हमने आपको बताया था कि भावर के बिल्कुल साउथ में तराई रीजन है। फिर हमने कहा कि रिवर्स रिमर्जेंस ईयर, यानी कि नदियां यहां पर फिर से बाहर निकल जाती है, ये बात हमने आपको कहा था। चूंकि नदियां छुप जाती है कहां, भावर के इलाकों में, यहां पर बाहर निकलती है, तो तराई के रीजन में नदियां क्या होती है, बाहर निकलती है। उसके बाद हमने कहा कि यह मार्सी लैंड है, यानी कि दलदली क्षेत्र है, यह बात हमने यहां पे कहा तराई के रीजन के बारे में। हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, मैं हिंदी में ही बोलते हुए जा रहा हूं। रिच इन बायोडायवर्सिटी, तराई रीजन बायोडायवर्सिटी में क्या होता है, रिच होता है, यह बात हमने आपको बताया था। और एरिया ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, हां यह बात समझिए कि तराई चूंकि यहां पर पानी बहुत ज्यादा है और बायोडायवर्सिटी में रिच है, लेकिन यहां का जो जंगल होगा वो एवरग्रीन होगा, डेसीडियस नहीं होगा, यानी कि पतझड़ नहीं होगा। पानी यहां पर सालों भर मिल रहा है और पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। तो जब पर्याप्त मात्रा में पानी सालों भर मिलेंगे तो इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि वहां का पेड़ पौधे सदाबहार ही होगा, वहां डेसीडियस यानी पतझड़ नहीं पाए जाएंगे। तो यहां पे डेसीडियस नहीं पाए जाएंगे, यहां पे क्या होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे और एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है, यह बात हमने आपको बता दिया तराई रीजन के बारे में पहले ही। अब तराई के बाद बांगर और खादर की बारी आती है। तो बांगर या भांगर जो भी बात मैंने आपको कहा है वो देखिए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन है। हाँ ये बात बताना था कि जितने भी नॉर्दर्न प्लेन आपने देखा, आपको हम बता दें कि भारत के जितने भी प्लेन है उसका 40% नॉर्दर्न प्लेन है। सबसे पहले ये बात तो समझ लीजिए, भारत के जितने भी प्लेन देखा मोर देन 40% नॉर्दर्न प्लेन है। और इस 40% में भी 40% आपका क्या है, एलुवियल सॉइल यानी कि बांगर और खादर है। उसमें भी आप देखिएगा बांगर सबसे बड़ा भाग शेयर करता है आपके पूरे प्लेन में, बांगर सबसे बड़ा भाग शेयर करता है आपके पूरे प्लेन में। और वहां पाए जाएंगे जहां पे फ्लड वाटर नहीं पहुंचता है, यहां पे मैंने लिखा कि वेयर फ्लड वाटर डज नॉट रीच, जहां पे फ्लड यानी कि बाढ़ की पानी नहीं पहुंचेगा वहां पे बांगर मिट्टी पाए जाएंगे। और बांगर मिट्टी में छोटे छोटे कंकर पत्थर समय के साथ डेवलप हो जाते हैं, वो बात हमने आपको यहां बताया। और ये भी बताया कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ये जो आप देख रहे हैं यहां पे इट इज ओल्ड एलुवियल सॉइल, ये दरअसल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं खादर का, तो खादर न्यू एलुवियल सॉइल है, एकदम एग्जैक्टली यही लाइन एग्जाम में पूछा है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और वो कौन सा इलाका होगा, फ्लड प्लेन होगा, क्योंकि जो एरिया फ्लड का है वहीं पे ये पाया जाएगा। तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे शेयर कर दिया। और सबसे लास्ट में हमने कहा कि ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, ये बात हमने यहाँ पे आपसे शेयर किया। तो ये हो गया उत्तरी जो मैदान है उसको चार भागों में हमने बांटा है, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन। अब हम जरा कोस्टल जो प्लेन है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले, कोस्टल प्लेन के बारे में। देखिए ये कोस्टल प्लेन है जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, मैं कुछ चीजों को यहां पे मिटा दूं, रब कर दूं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि कुछ चीजें लिखने में बने मेरे को। ये कोस्टल प्लेन है, ठीक है, ये वेस्टर्न कोस्ट है और ये ईस्टर्न कोस्ट है, दोनों वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट देखिए, दोनों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं और फिर दोनों के बारे में जो पॉइंट है वो भी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ईस्टर्न कोस्ट के बारे में बात कर ले, तो ईस्टर्न कोस्ट आप देखेंगे कि वेस्टर्न कोस्ट के कंपेरिजन में ज्यादा वाइड है, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट वाइडर देन वेस्टर्न कोस्ट कंपैरिजन में। वाइड होने के कारण क्या है, क्योंकि जो महानदी है, जैसे मैं यहां पे बना दूं महानदी, ठीक है, फिर मैं बना दूं यहां पे गोदावरी, फिर मैं बना दूं यहां पे कृष्णा, और फिर बना दूं यहां पे कावेरी। तो ये महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं जो कि वेस्टर्न घाट से फ्लो होकर ईस्टर्न की तरफ आती है, वो अपने धारा से इस जगह को काट छाट करके, यानी कि ईस्टर्न घाट को काट छाट करके, और यहां पे डिपोजिशन के कारण डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा फॉर्म डेल्टा का निर्माण करती है। और चूंकि डेल्टा का निर्माण करती है तो जहां जहां डेल्टा का निर्माण करती है वहां वहां पे स्टोन घाट ज्यादा चौड़ा है, जैसे देखिए महानदी,
यहाँ पे गोदावरी, यहाँ पे कृष्णा, यहाँ पे कावेरी, जहां जहां डेल्टा का निर्माण होगा वहां पे घाट क्या होगा, चौड़ा होगा। अब चूंकि घाट ये ज्यादा चौड़ा है तो यहाँ पे खेती भी डेंस होता है, यानी कि बहुत एक तेजी से खेती होती है, बहुत सघन कृषि होती है, और यहाँ पे बनावट या आबादी भी यहाँ पे ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे आबादी भी ज्यादा है, चूंकि एग्रीकल्चर यहाँ ज्यादा है तो आबादी भी ज्यादा होगा। ये सिंपल पॉइंट है। एक स्टर्न घाट को जो वर्षा प्राप्त होती है वो लौटते हुए मॉनसून से होती है, यानी कि रिट्रीटिंग मॉनसून से वर्षा प्राप्त होती है। इस तरीके से जो रिट्रीटिंग मॉनसून होती है, जो लौटता हुआ मॉनसून है, जो आप जानते हैं कि सितंबर अक्टूबर में लौटता है, तो वहां पे रिट्रीटिंग मॉनसून से यहां पे वर्षा ज्यादा प्राप्त होती है, लौटते हुए मॉनसून से वर्षा ज्यादा प्राप्त होती है। स्टर्न घाट के बारे में हम यहां पे बात आपसे कर रहे हैं। स्टर्न घाट पे कुछ क्या बोलते हैं लैगून है। लैगून क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। लैगून दरअसल लेक ही है। अंतर क्या है कि ये समुद्र के द्वारा बनाया गया लेक है, सी लेक है। ठीक है, सी लेक है। ये एक तरीके का नदी के द्वारा बनाया गया ऑक्सबो लेक के जैसा ही लैगून लेक भी होता है। अब यहां पे मैं ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बात नहीं करूंगा, मैं कुछ बातें बताता हूं। तो लैगून क्या है, लेक को ही लैगून कहते हैं, जो सी के द्वारा, यानी सी जो अपने धारा के साथ आगे बढ़ती है, समुद्री धारा है जो कोस्ट की तरफ बढ़ती है, अपने साथ वो सेडिमेंट लेके कैरी करती है, बालू के कण और भी कुछ कुछ, और धीरे धीरे समय के साथ लाखों वर्षों में, हजारों वर्षों में एक पूरा का पूरा प्रतिरोध बनाती हुई चलती है, और उस प्रतिरोध के उधर जो पानी जम जाता है जिस उसको लैगून कहते हैं, और लेक बन जाता है। कुछ लेक है यहां पे जैसे चिल्का लेक, ठीक है, पुलिकट लेक, कुछ लेक है यहां पे कोलेरू लेक, ये कुछ लेक हैं जो आपको स्टर्न घाट पे पाए जाएंगे। कुछ लेक है, मैंने क्या बताया, चिल्का, पुलिकट, कोलेरू, सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, परेशान नहीं हो, सिर्फ आप सुनिए, ठीक है। तो चिल्का, कोलेरू, पुलिकट लेक आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा, हालांकि चिल्का लेक तो उड़ीसा में है, तो यहाँ पे मुझे बनाना चाहिए पुलिकट ही है। तो चिल्का लेक, कोलेरू, पुलिकट लेक आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा, ये बात भी आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। आप यहाँ से एग्जाम का क्वेश्चन तो ये सब बनते हैं। एक और कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ थोड़ा सा मिटा करके, वो ये है कि इसके कोस्टल रेंज को कुछ नाम दिया गया है, उस नाम को मैं यहाँ पे आपके साथ एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। कुछ नाम दिया गया है, तो देखो क्या नाम दिया गया, ये जो इलाका है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों को मिला करके, इसको नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है, नॉर्दर्न सरकार का इलाका कहा जाता है, उत्तरी सरकार का इलाका कहा जाता है। और यहां जो उत्कल कोस्ट लिखा हुआ है इसको कलिंगा कोस्ट भी बोलते हैं, कलिंगा कोस्ट जो कि उड़ीसा का कोस्ट है, आप जानते हैं, ठीक है। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कोस्ट को मिलाकर नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है। उड़ीसा कोस्ट कलिंगा कोस्ट कर लीजिए, उत्कल कोस्ट कर लीजिए, लेकिन आप नॉर्दर्न सरकार यहां पे जानेंगे, नॉर्दर्न सरकार से ही आपके एग्जाम का क्वेश्चन आएगा। कलिंगा या उत्कल आपको सब्स्टिट्यूट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि उड़ीसा के कोस्ट को क्या कहा जाता है, तो उत्कल या कलिंगा कोस्ट भी कहा जाता है। यहां पर जो तमिलनाडु है, इस जगह को आप जानते हैं कि यह तमिलनाडु का इलाका है, और तमिलनाडु का जो कोस्ट है इसको कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट, आपको लिखा हुआ दिख गया होगा, कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है तमिलनाडु के कोस्ट को। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, किसी भी हाल में इसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो स्टर्न कोस्ट के बारे में मैंने कुछ बातें बताया, वो बात आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। इसका फैलाव कहां से कहां तक है, तो महानदी से लेकर के कन्याकुमारी तक। अगर स्टर्न कोस्ट के एक्सपेंशन की बात करें तो महानदी से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका क्या है, फैलाव है, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। मैप भी आपके सामने में दिखा रहा हूं, मैं मैप के साथ आपको बात कर रहा हूं, और जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ पॉइंट। अब चलिए वेस्टर्न कोस्ट के बारे में बात करते हैं, थोड़ा पश्चिमी घाट के बारे में बात करते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए, पश्चिमी घाट गुजरात से लेकर के और कन्याकुमारी तक है, यहां पे लिख देता हूं गुजरात और फिर यहां पे लिख देता हूं मैं कन्याकुमारी, चूंकि पहले से लिखा हुआ है, तो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट कहलाता है। और पश्चिमी घाट को एक और नाम कहते हैं, उसको कहते हैं सह्याद्री। तो पश्चिमी घाट इज ऑल्सो कॉल्ड सह्याद्री। ये बात आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं।
और पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया है। और ये को चीज आप अपने हॉटस्पॉट ये अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, ये शायद मैं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया मैंने बोल दिया है। अगर आपको छूट गया तो एग्जाम का क्वेश्चन छूट जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है कि भारत का हॉटस्पॉट कौन सा है, तो बेस्टर्न घाट है। हॉटस्पॉट किस लिए है, क्योंकि बेस्टर्न घाट पे मानवीय हस्तक्षेप के कारण यहाँ के पारिस्थितिकी में परिवर्तन आया है। बेस्टर्न घाट में मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी में परिवर्तन आया है, और उसी परिवर्तन के कारण निगेटिव परिवर्तन, बेटा पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव होता तो हॉटस्पॉट होता ही नहीं, निगेटिव परिवर्तन आया है, निगेटिव चेंजेज आए हैं, और उसी के कारण उसको हॉटस्पॉट कहा गया है। अब जब पारिस्थितिकी पढ़ाएंगे तो आपको खूब अच्छे तरीके से हम यहाँ पे चेंजेस के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से जंगल काटे गए, वहां के जानवरों को मारे गए, वहां के जानवरों को पकड़े गए, ठीक है ना। तो सह्याद्री कहलाता है और इसको हॉटस्पॉट भी कहते हैं बेस्टर्न घाट को। ये दोनों पॉइंट अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन है और मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। बेस्टर्न घाट, जिस तरीके से मैंने कहा था कि स्टर्न घाट रिसीव रेनफॉल बाय रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि लौटते हुए मानसून से स्टर्न घाट अपना क्या प्राप्त करता है, वर्षा प्राप्त करता है, उसी तरीके से बेस्टर्न घाट साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। साउथ वेस्ट मानसून, ये देखो यहां इस तरीके से अभी मॉनसून का समय चल भी रहा है, आपको पता है, तो साउथ वेस्ट मॉनसून से अपना वर्षा प्राप्त करती है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट सॉरी। और चूंकि वेस्टर्न घाट में जो वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो वेस्टर्न घाट का इलाका जो है ना वो एवरग्रीन फॉरेस्ट के रेंज में आता है। ये बात मैंने आपको नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा बेटा, जो चीज मैंने नहीं लिखा और जो मैं बोल रहा हूं उसको आप एकदम नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन आएगा, छूट जाएगा तो फिर आप हमें याद करेंगे, ठीक है। तो चूंकि एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप ये भी बात, चूंकि अब जब वन पढ़ाएंगे फॉरेस्ट तो वहां पर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से वर्षा का मात्रा आपके फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। तो वर्षा की मात्रा के कैरेक्टरिस्टिक्स हम वन के ऊपर पढ़ेंगे, यहां पर मैं कुछ चीजें जो इसके संदर्भ में रेफरेंस में आ रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो मैं क्या बता रहा हूं कि बेस्टर्न घाट जो कि साउथ वेस्ट मॉनसून से वर्षा प्राप्त करती है और इसकी वर्षा मोर देन 200 सेंटीमीटर है, वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा प्राप्त करती है, तो यहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार बन पाए जाएंगे। ये बात मैंने बताया, हॉट स्पॉट और सह्याद्री पहले बता दिया। अब बेस्टर्न घाट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इन कंपैरिजन टू स्टर्न घाट कम कटाफटा है पहला, और दूसरा उसकी चौड़ाई भी कम है, यानी कि वहां पे जो मिट्टी है, जो घाट है वो पतला है। रीजन क्या है, क्योंकि बेस्टर्न घाट की तरफ नदियां कम बहती है और जो नदी बह भी रही है वो डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है, जैसे कि नर्मदा। देखो ये है नर्मदा तापी, अब ये नर्मदा तापी क्या एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। अब जब नदी पढ़ाएंगे तो एस्चुरी और डेल्टा के डिफरेंस को हम खूब अच्छे से बताएंगे, यहां पे हम चीजों को उतना ही समझाना चाहते हैं जितना हमारा काम, क्योंकि बार बार चीजों को रेफरेंस में लाने से क्लास अलग चला जाएगा। तो ये नर्मदा है और ये तापी है, तो ये एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। इस कारण भी यहां पे मैदान क्या है, कम चौड़ा है, मैदान कम चौड़ा है। और चूंकि ये बेस्टर्न घाट का बनावट भी कुछ ऐसा है, जो बनावट मैं यहां पे आपको बताने की कोशिश करता हूं, बड़ा गौर से देखिएगा बेस्टर्न घाट का बनावट। देखो बेस्टर्न घाट का बनावट कुछ इस तरीके का है, और जब इस तरीके का बनावट है तो आप देखिए बेस्टर्न घाट का पश्चिमी भाग बिल्कुल खड़ा है, ये जो भाग है ये खड़ा है, ठीक है, ये बिल्कुल खड़ा है, बिल्कुल स्टीप है। और जो स्टर्न पार्ट है बेस्टर्न घाट का वो क्या है, स्लोप है। तो जितनी नदियां निकलती है, चाहे वो गोदावरी की बात कर ले, कृष्णा की बात कर ले, हम यहाँ पे तुंगभद्रा की बात कर ले जो कृष्णा की सहायक नदी है, या हम कावेरी की बात कर ले, ठीक है ना, ये सारी नदियां ईस्ट की तरफ बहती है। क्यों ईस्ट की तरफ बहती है, क्योंकि बेस्टर्न घाट का स्टर्न जो पॉइंट है, स्टर्न जो साइड है वो स्लोप है, और वहां से जो नदी निकलती है वो ईस्ट की तरफ बहाव करेगी, आप देख रहे हैं ना। लेकिन बेस्टर्न घाट की तरफ अगर यहां से कोई नदी निकलेगी तभी तो वो वेस्ट की तरफ जाएगी, और यहां से बहुत कम नदी निकलती है, नीचे में है एक दो केरला में बह गई नदी वगैरह, ठीक है। तो ये एक पॉइंट इसको समझिएगा, हाँ दो नदी जरूर वेस्ट की तरफ बहती है, नर्मदा और तापी। तो इसका कहानी कुछ अलग है, ये चूंकि वाटर डिवाइड के हिसाब से अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, तो यहाँ पे अमरकंटक कुछ इस तरीके का है, तो नर्मदा वेस्ट की तरफ बहती है। जब हम नर्मदा पढ़ाएंगे तो वहां पर फिर से आपको वाटर डिविजन भी और उसको बारे में बताएंगे क्यों ये वेस्ट की तरफ बहती है। तो पॉइंट यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा बेस्टर्न घाट का, बेस्टर्न घाट के बारे में। अब थोड़ा सा तटीय प्रदेश का नाम जो है ना वो क्या है वो हम आपको बता दें, क्योंकि
के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इन सबको मिटाता हूं मैं और तटीय प्रदेश का नाम आपके साथ शेयर करता हूं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, गुजरात से लेकर के गोवा तक इसके तट का नाम होता है कोंकण। कोंकण गोवा से लेकर के मैंगलोर तक, मैंगलोर इसके तट का नाम होता है कन्नर तट, कन्नर कोस्ट, कन्नर कन्नर। और मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक इसके कोस्ट का नाम होता है मालाबार, मालाबार। तो अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, गुजरात से लेकर के, हालांकि लिखा हुआ मिल जाएगा, गुजरात से लेकर के गोवा, गोवा से मैंगलोर और मैंगलोर से कन्याकुमारी। तो गुजरात से गोवा कोंकण, गोवा से मैंगलोर कन्नर और मैंगलोर से कन्याकुमारी मालाबार, ये कोस्ट का नाम है वेस्टर्न कोस्ट का। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट के बारे में हमने बहुत सारी बात की, सह्याद्री और हॉटस्पॉट वगैरह जैसे बातें कर लिया है। अब देखते हैं कि जो लिखे हैं वो कौन कौन सा पॉइंट है और उसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट को, टॉपिक को एंड करेंगे, ठीक है। चलिए पहले पॉइंट को देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने लिखा है वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट। चलिए, कोस्टल प्लेन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ईस्टर्न कोस्ट। हमने क्या क्या बताया था कि ये महानदी से कन्याकुमारी तक, ये बात हमने बताया था। फिर हमने बताया कि इरोजनल डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ रिवर, यानी कि महानदी, कृष्णा, कावेरी, जो गोदावरी नदियां हैं उसके डिपोजिट करने से और उस वहां पे कटाव करने से, अपरदन करने के कारण ये फॉर्म का निर्माण हुआ है, यानी कि ईस्टर्न जो प्लेन है उसका निर्माण हुआ कोस्टल प्लेन का, जो बात हमने लिखा फॉर्म बाय इरोजनल अपरदन डिपोजिशनल, यानी कि क्या बोलते हैं, अपरदन और विस्थापन। इट इज ब्रॉडर देन वेस्टर्न कोस्ट, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा चौड़ा है, ये बात हमने आपको बताया था। फिर हमने बताया कि रिसीव रेनफॉल बाय रिट्रीटिंग मानसून, लौटते हुए मानसून से ये क्या वर्षा प्राप्त करती है, ये बात हमने बताया। यहाँ पे कुछ लैगून है, चिल्का, कोलेरू, पुलिकट, ये मैंने बताया लैगून जो कि लेक है, लेक ही है, चिल्का, कोलेरू, पुलिकट। चिल्का आप जानते हो उड़ीसा में है, कोलेरू और पुलिकट आंध्र प्रदेश में, पुलिकट चूंकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर पे है लेकिन इसको आंध्र प्रदेश मानते हैं। उड़ीसा कोस्ट को उत्कल कोस्ट या कलिंगा कोस्ट कहते हैं, ये बात हमने बताया। और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को कंबाइन रूप से हमने क्या कहता है, नॉर्दर्न सरकार हमने कह दिया था। और तमिलनाडु के कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट, ये बात हमने आपको बताया था, यही बात हमने यहाँ पे लिखा भी है। और कुछ एक्स्ट्रा अगर बताया होगा तो उसको भी आप अपने कॉपी में वहीं पे लिख लीजिएगा पीछे वीडियो को देख करके। वेस्टर्न कोस्ट के बारे में बताया कि गुजरात से कन्याकुमारी तक है और हमने कहा था कि ये रेनफॉल कैसे रिसीव करता है, तो साउथ वेस्ट मानसून से, ये बात मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, वहां पे बता दिया तो उसको आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे मैंने नहीं लिखा कि इसको सह्याद्री कहा जाता है, ये बात लिख लीजिएगा कि इसको सह्याद्री कहा जाता है। ये भी बात आप लिख लीजिएगा कि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट का एरिया है, ये बात भी आप लिख लीजिएगा, ये बात मैंने वहां पे नहीं लिखा। और यहाँ पे ये बात जरूर बताया कि गुजरात टू गोवा कोंकण कोस्ट, गोवा से मैंगलोर कन्नर कोस्ट, मैंगलोर से कन्याकुमारी मालाबार कोस्ट है, ये बात आप मैंने वहां पे बताया था तो यहाँ पे बता दिया है। और यहाँ के लैगून को, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम का है जिसको आप बड़े तरीके से देखिएगा, ये जो सबसे लास्ट वाला है ना, इसको लैगून जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, लैगून ईस्टर्न कोस्ट में लैगून जो लेक है, यहाँ पर भी लैगून जो लेक है, लेकिन यहाँ पे लैगून को क्याल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्याल। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि क्याल कहाँ, क्या है, तो क्याल लेक है, लेक को कयाल कहा जाता है या लैगून को कयाल कहा जाता है, कहां, वेस्टर्न घाट पे, खास करके केरला में, ठीक है। तो वहां पे बेम्बनाद लेक है, एक एग्जांपल मैंने आपको बेम्बनाद लेक का बता दिया, और भी लेक है, अष्टामुडी लेक है, बेम्बनाद लेक है, और भी लेक है। तो जो एग्जांपल मैंने बता दिया, बेम्बनाद और अष्टामुडी लेक, ये दोनों लिख लीजिएगा, केरला में दोनों अवस्थित है। और यहाँ के लेक को, यानी कि लैगून को कयाल कहा जाता है या बैक वाटर, लैगून को बैक वाटर भी कहा जाता है। मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको बता दूं, बैक वाटर, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है तो इसलिए बैक वाटर या लैगून को क्या कहते हैं, कयाल, और बेम्बनाद लेक और अष्टामुडी लेक। ये बैक वाटर का मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझा ही देता हूं, ताकि आपको लैगून, ये लैगून का ही कंसेप्ट है, वहां पे नाम बैक वाटर या कयाल कह दिया गया, कंसेप्ट लैगून या लेक का ही है। देख लीजिए क्या समझाता हूं, मान के चलो ये कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट हो या वेस्टर्न कोस्ट हो, दोनों तरफ से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। ये चूंकि ईस्टर्न कोस्ट है और ये वेस्टर्न कोस्ट देखने में आपको लग रहा है, ये चूंकि वेस्टर्न कोस्ट है
और ये ईस्टर्न कोस्ट है जो कि आपको देखने में लग रहा है। तो हम क्या कहते हैं, ये चूंकि वेस्टर्न कोस्ट है, अब यहां से जो समुद्री पानी है वो यहाँ पे इस तरीके से आएगा और अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट लेके आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी समुद्री पानी आएगा, अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट लेके आएगा। कंसेप्ट समझिए लैगून का या बैक वाटर का कंसेप्ट समझिए आप अच्छे तरीके से, परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, पानी लेके आएंगे, तो पानी जब लेके आएगा तो ये अपने साथ कुछ डिपोजिशन यानी कि बालू या कुछ कण समुद्री लेके आएगा और वो क्या करेगा, यहाँ पे डिपोजिट करके और छोड़ के अब फिर वापस चला जाएगा। यहाँ पर भी इस तरीके से डिपॉजिट करके छोड़ के वापस चला जाएगा और समय के साथ सैकड़ों हजारों वर्षों में ये डिपॉजिट इतना मजबूत हो जाएगा, ये डिपोजिशन इतना मजबूत हो जाएगा कि यहाँ पे ये चीजें इस तरीके से एक दीवार जैसा बन जाएगा, प्रतिरोध जैसा बन जाएगा। यहाँ पे प्रतिरोध उसी तरीके से यहाँ भी बनाया था मैं, एक प्रतिरोध जैसा बन जाएगा, प्रतिरोध जैसा। ठीक है, प्रतिरोध जैसा बन जाएगा। अब की बार अगर पानी जैसे प्रतिरोध बन गया, अब पानी आएगा तो चूंकि पानी यहां तो आ जाएगा, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, चूंकि पानी यहां तो आ जाएगा, जैसे कि यहां पे मैं पानी कर देता हूं, आने के लिए आ जाएगा। आने के लिए क्या होगा, चूंकि लहरें ऊंची होती है वो चलाएगा, इधर भी लहरें ऊंची होती है तो ये चलाएगा यहाँ पे पानी। लेकिन जब यही पानी वापस जाने लगेगा, क्योंकि समुद्र का आप एक्टिविटी जाते हैं कि ऐसे पानी आता है और फिर वापस आता है, तो जो वापस आने लगेगा तो इस जगह पे चूंकि यहाँ प्रतिरोध बन गया है तो इस जगह पे क्या होगा, पानी अटक जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, पानी अटक जाएगा, तो अटक जाएगा तो ये लैगून हो गया, जिसको आप वेस्टर्न घाट पे कयाल कहते हैं और इसी को बैक वाटर कहते हैं। चूंकि लौटता हुआ पानी यहां पे अटकता है इसलिए इसको बैक वाटर कहते हैं, सिंपल पॉइंट है। ठीक है, तो लैगून या क्या बोलते हैं, बैक वाटर या क्याल की कॉन्सेप्ट आप समझ में आ गया। और ये स्टोन और वेस्टर्न घाट के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। मैप भी मैंने आपको दिखाया, मैप पे बहुत सारा चर्चा किया। मैप दिखाने के पीछे मेरा रीजन क्या है कि आपको हम मैप को लेकर के एकदम ऐसा ट्रेन कर देना चाहता हूं कि आप मैप देखें और समझ जाए कि हाँ यहाँ पे ये राज है, यहाँ पे ये राज है, यहाँ पे राज है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, और वो समय के साथ आपका हो जाएगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपको प्लेन का मैप बताया है, कोस्टल का मैप बताया है, फिर हमने आपको उससे पहले हिमालय का मैप बताया है, अभी पूरा जलवायु का मैप बताना है, फिर और ज्यादा आप क्लियरिटी के साथ आएगा। मैप के साथ हम सारा काम करेंगे, पठार का पूरा मैप बता दिया। तो मैप को आप अपने कॉपी में देखिएगा, अपने जो मैंने कहा था कि फिजिकल और पॉलिटिकल मैप आपका होना चाहिए, इंडिया और वर्ल्ड दोनों का, यानी चार मैप, तो वो चारों मैप अगर आपके पास है तो उन सारी चीजों को आप बड़े गौर से देखिए मैप को, जो भी मैंने पढ़ाया है, और इस तरीके से आप देखना शुरू करेंगे ना तो मैप आपका अपना बन जाएगा। फिर कोई दुनिया में टीचर आपको रट्टा मारने के लिए नहीं कहेगा, और रट्टा मारने के लिए कहेगा तो आपको बेवकूफ टाइप के लगेगा, क्योंकि वो आपका पहले बन चुका है। उसके लिए मेहनत करना होता है, समय देना होता है, नौकरी ऐसे नहीं मिलती है बेटा, नौकरी पाना है। ठीक है ना, कोई साधारण बात नहीं है गवर्नमेंट की नौकरी पाना। चलिए ठीक है, मैप के साथ आप खेलिएगा, मैप को आप देखिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी में पेनिनसुलर इंडिया के बारे में, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बात करेंगे, प्रायद्वीपीय भारत के पठारों के बारे में बात करेंगे, प्रायद्वीपीय भारत से जो भी जुड़ी हुई चीजें होंगी उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा मैं मैप पे लेके चलता हूं आपको और मैप से चीजों को समझाता हूं, जैसा कि मैं हमेशा करते आया हूं कि मैं मैप से चीजों को समझाता हूं, तो आज भी हम आपको मैप से ही चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। पूरे मैप को यहाँ पे देखेंगे, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से आप चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जैसा कि आप मैंने आपको पहले ही बताया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, ट्रांस हिमालय है। ये बात हम लोगों ने पहले कर लिए हैं, जब हिमालय की बात हम लोग किए थे तो हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे बताया था कि ये आपका हिमालय का रेंज है, नंगा पर्वत से लेकर के और नमचा बरवा तक, ये भी बात हमने आपको बताया। चूंकि मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपको क्लास में रिवीजन हो जाए, क्लास में याद हो जाए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम आपको ज्योग्राफी क्लास में याद करा के भेजेंगे, कहीं अलग जाकर के पढ़ने की जरूरत नहीं, एकदम नहीं, घर पे जाकर बिल्कुल ज्योग्राफी नहीं पढ़ो, सिर्फ हमारे साथ क्लास में बने रहो, मैप भी दिखाऊंगा, याद भी करवाऊंगा। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि नंगा पर्वत से लेकर के नमचा बरवा तक ये हिमालय है, और फिर इसके तीन रेंज की बात की थी, महान हिमालय की बात किया था हम लोगों ने, मिडिल हिमालय की बात किया था हम लोगों ने, और आउटर हिमालय की बात किया था हम लोगों ने, और सबके बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट्स हम आपके साथ शेयर किए थे, उसको एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने आपको कहा था कि महान हिमालय जो है ना, या हिमालय दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसका सबसे ऊंचा चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट है, ये बात हमने आपको बताया था। उसके बाद फिर सारे हिमालय के बारे में कुछ ना कुछ बात बताया था। फिर हिमालय के ठीक नीचे हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में,
ये प्लेन ऑफ इंडिया है, यानी कि प्लेन के बारे में बात किया था, भारत के मैदान, उत्तर भारत का महान मैदान के बारे में बात किया था यहाँ पे, उत्तर भारत के महान मैदान, ठीक है। चलिए एक बात, अब थोड़ा सा मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, वो ये है कि चूंकि मैं बार बार इस बात को कहता हूं, और मैंने आपको जब वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास लिया तो उसमें मैंने आपको बताया है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो हिमालय के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, खास करके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को, तो वो थ्योरी को बार बार मैं कहता हूं कि आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पर्वतों के निर्माण के बारे में बात आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं एक बार दोहरा देता हूं, क्यों? क्योंकि ये हमारा एक रेगुलरिटी हो जाएगी, पेंसुल इंडिया के साथ हमारा एक कनेक्शन बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको पहले बताया है कि ये आपका यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, या फिर हम कह सकते हैं कि ये आपका कौन सा चाइनीज प्लेट है या तिब्बत प्लेट है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट में लिख देता हूं बड़े शब्दों में, यूरेशियन प्लेट। जैसा कि आप जानते हैं कि एज पर द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट को जाकर के धक्का मारता है और इस तरीके से हिमालय का निर्माण होता है। तो मैं उन चीजों को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा, मैंने पहले भी दिखाया, आज भी दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखो ये, और ये क्या है, इंडियन प्लेट है, तो मैं यहां पे कर देता हूं इंडियन या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी इसको बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड का है, गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना, और ये यूरेशियन प्लेट अंगारा लैंड का है, अंगारा। अगर अंगारा और गोंडवाना की बात करें तो आप एक बार जाकर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को पढ़ लीजिएगा, मेरे वीडियो को, आपको अच्छे तरीके से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बारे में पता चल जाएगा। तो ध्यान देना कि जब इंडियन प्लेट आकर के ड्रिफ्ट होकर के, कहां से ड्रिफ्ट हुआ, तो साउदर्न पार्ट या साउदर्न हेमिस्फीयर से ड्रिफ्ट हुआ और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आया। कहां से टूटा, तो वेस्टर्न घाट से टूटा, वेस्टर्न घाट से। किस प्लेट से टूटा, तो अफ्रीकन प्लेट से टूटा। तो ध्यान रखिएगा, अफ्रीकन प्लेट से वेस्टर्न घाट का ये पार्ट टूटा और ड्रिफ्ट होकर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आया। ध्यान रखिएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आया और यूरेशियन प्लेट को धक्का मारा। जब यूरेशियन प्लेट को धक्का मारा तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन का हम यहां पर ध्यान देते हैं, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन, ये इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। चूंकि आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से फोल्ड है, तो ये हो गया फोल्ड, और चूंकि इसकी ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है तो ये हो गया माउंटेन, तो ये क्या हो गया, फोल्ड माउंटेन। सारी चीज बात कर चुके हैं, ये हो गया फोल्ड माउंटेन, और यहां पे ये चूंकि सबड्यू हुआ है, यानी कि नीचे की तरफ आ गया है। सबड्यू का मतलब जो भारी प्लेट होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, जो हल्का प्लेट होता है वो ऊपर उठ जाता है, तो सबड्यू हुआ है। तो इस जगह पे आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे जो आप ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे आप क्या देखते हैं कि एक, मैं दूसरे कलर से ले लूं, ये एक ट्रेंच बन जाता है। क्या बन जाता है, ट्रेंच। जब ये ट्रेंच बन जाता है तो ये ट्रेंच क्या है आपको मालूम है, ये यही ट्रेंच आपका ये प्लेन है। ध्यान रखिएगा, आपका ये प्लेन यही ट्रेंच है, चूंकि इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, इंडस गंगा वैसे कहते हैं इस मैदान को, इंडस गंगा मैदान कहते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र अगर मिला दीजिएगा तो इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र की मैदान हो जाएगी। तो इस प्लेन को इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उसके सहायक नदी सदियों से सेडिमेंट ला करके डिपॉजिट करते रहा, डिपॉजिट करते रहा, और आज प्लेन का निर्माण कर दिया। तो नदी के द्वारा लाए गए डिपॉजिट जानते हैं, चूंकि एलुवियल होता है यानी जलोढ़ होता है, तो ये पूरा प्लेन जलोढ़ है, और दुनिया के जितने भी उपजाऊ मिट्टी है उन उपजाऊ मिट्टी में से ये एक है, यानी one of the fertile soil in the world, one of the, मैंने बात किया है, तो ध्यान रखिएगा। तो जो northern plain of India है, या in the great northern plain of India है, is the most fertile in India and one of the fertile land in the world, ठीक है। चलिए एक बात हो गया, यहाँ पे बात हम लोगों ने कर लिया। अब पॉइंट यहां से आपका, चूंकि मैंने कहा था कि कनेक्शन बनाएंगे, तो कनेक्शन क्या है, ये जो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा पेनिनसुलर इंडिया, ये यही प्लेट है, ये पेनिनसुलर इंडिया का प्लेट है, मैं लिख देता हूं यहां पे पेनिनसुलर इंडिया। और ये प्लेट कहां है, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, मैं बाकी को मिटाता हूं, ठीक है, मैं बाकी को मिटाता हूं, और यहां पर ध्यान दीजिएगा, बड़े गौर से ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे प्लेट है, ये अरावली का रेंज है, ये यहां से कुछ इस तरीके से होकर के, और ये इस तरीके से यहां आती है, और यहां पे ये, और ठीक यहां पे इस तरीके से होके ये, तो ये जो आपको दिख रहा है यहां पे कार्डामम हिल्स तक जो आप दिखाई दे रहा है नीचे में, ये दरअसल यही हमारा प्लेट है, यही हमारा ओल्डेस्ट प्लेट है। तो ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड है, यानी कि दुनिया का सबसे पुराने प्लेटों में से एक है, तो मैं यहां पर लिख दूं कि ये ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट
प्लेट इन द वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे पुराने प्लेटों में से ये एक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट इन द वर्ल्ड, ये बात मैंने आपको लिखा। हालांकि आप परेशान नहीं होइए, सारी बातें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप बस समझिए, बहुत गौर से समझिए। अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो कमेंट कीजिए, हम दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे, हर बार आपको समझाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे देखिए, ये जो प्लेट है ये आपको दिखाई दे रहा है, यही प्लेट है वो हिस्सा जो कि टूटा है अफ्रीकन प्लेट से, और यही प्लेट आकर के यूरेशियन प्लेट जो यहाँ पे तिब्बत दिख रहा है, जो ऊपर में चाइना या तिब्बत की प्लेट भी आप कह देते हैं, क्योंकि यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, आकर के धक्का मारा है। तो ये जो हमारा प्लेट है, ये गोंडवाना लैंड का प्लेट है। किसका प्लेट है, मैं यहाँ पे दूसरे कलर से कर दूं, गोंडवाना लैंड का प्लेट है। कौन सा है, गोंडवाना का प्लेट है। और ये जो प्लेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अंगारा है। मैं यहाँ पे दूसरे कलर से कर देता हूं, अंगारा, ठीक है, ये अंगारा लैंड का प्लेट है, ये अंगारा लैंड का है और ये गोंडवाना का है। तो ये जो आपको यूरेशियन प्लेट देखा जिसको मैंने अंगारा लिखा था, ये है, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो पेनिनसुलर इंडिया हमारा है, जो दुनिया का सबसे पुराना, और गोंडवाना मैंने यहाँ पे पहले भी लिखा था, जिसका मैंने गोंडवाना यहाँ पे दोबारा लिखा। तो दोबारा दोनों चीजों को लिखने का मतलब क्या, मैं जो मैप बनाया उसको सिमिलैरिटी के साथ करना चाहता हूँ, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। और एक बार कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मेरा जो वीडियो है उसको जरूर देख लीजिएगा, आपका रिविजन, आपका सारा कॉन्सेप्ट एकदम ऐसा क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा कि आपको हम क्या बताएं, एकदम मतलब आरओ पानी की तरह झलकेगा कि हम कहना क्या चाहते हैं और भारत का मैप क्या का बताना चाहता है। तो पेनिनसुलर इंडिया हो गया, अच्छा, एक दूसरी बात है, इसका नाम पेनिनसुलर क्यों है, यानी कि इसका नाम प्रायद्वीपीय क्यों है। तो प्रायद्वीपीय का मतलब ये होता है कि जिसके चारों तरफ पानी हो, तीन तरफ से खास करके समुद्र का एरिया हो। जैसे आप देख रहे हैं यहां पे अरबियन सी है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अरबियन सी है ना, यानी कि अरब सागर है। ये आपको दिख रहा है बे ऑफ बंगाल है, ये बे, और नीचे में क्या है, इंडियन ओशियन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब तीन तरफ से आपको समुद्र या सी दिखाई दे रहा है, तो तीन तरफ से घिरा हुआ है समुद्रों से, तो ये क्या हो जाएगा, पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये पेनिनसुलर इंडिया के पार्ट में हम बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान को नहीं रखेंगे। किसलिए नहीं रखेंगे, क्योंकि ये नहीं घिरा हुआ है तीन तरफ से। तो घिरा हुआ कौन सा है, तो हम आपको कह सकते हैं कि गुजरात से लेकर के और यहाँ बंगाल का इलाका से लेकर के नीचे ये घिरे हुए, तो इसको हम पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हम पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैंने बताया और सबसे पुराने प्लेट है आप जानते हो गोंडवाना लैंड का हम लोग पार्ट है। अब हम लोग इसके बारे में क्या बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बार बार कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के वीडियो का एक रेफरेंस दिया, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा अंगारा, गोंडवाना और किस तरीके से प्लेटेड ड्रिफ्ट हुई सारी बात। हालांकि यहां पे किया है मैंने वो सारी बात, और वहां से अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि पेनिनसुलर इंडिया के हम एक एक पॉइंट के बारे में आपसे शेयर करते हैं, एक एक पॉइंट हम आपके साथ बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, अरावली के बारे में। हम लोग अरावली के बारे में बात करते हैं, तो ये आपका अरावली है। तो अब आप क्या कीजिए, अब अपने कॉपी में आप अरावली लिख लीजिए, ठीक है, अपने कॉपी में क्या लिख लीजिए, अरावली लिख लीजिए, अरावली अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, और वहां से हम बात करेंगे। हालांकि लिखा हुआ हर चीज आपको मिल जाएगा, लेकिन आप एक बार देख लीजिए, और मैं क्या करूंगा कि जो समझाऊंगा ना उसको लिखे हुए पार्ट के साथ भी एक बार कंपैरिजन करूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, ये अरावली है। अब अरावली दुनिया में सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, दुनिया में सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। मैं अरावली के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने आपको क्या बताया कि अरावली दुनिया के सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है अरावली, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर अरावली के बारे में बात करें तो अरावली को रेसिड्यूअल माउंटेन कहते हैं, रेसिड्यूअल माउंटेन। हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं होगा, क्योंकि मैं हिंदी ही बोल रहा हूं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि दुनिया के सबसे पुराने पर्वत श्रृंखला ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया के सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और रेसिड्यूअल माउंटेन कहते हैं, यानी कि इसको अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, अवशिष्ट। अब यहां पर समझिए कि अवशिष्ट पर्वत किस लिए
किसे कहते हैं? तो देखो जो अरावली आज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दरअसल ये अपने जो इनिशियल स्टेज में एक अलग प्रकार का था। कैसे? तो इनिशियल स्टेज में और ज्यादा ऊंचा और ज्यादा चौड़ा था, यानी कि इसकी हाइट और विड्थ बहुत ज्यादा था। चूंकि ये बहुत पुराना है, पृथ्वी के निर्माण के समय से ही अरावली के निर्माण की बात कही जाती है। अगर पुराने ज्योग्राफिकल टर्म मतलब जो राइटर्स हैं उनके बारे में बात अगर हम करें उनके रेफरेंस से, तो अगर उतना पुराना है, अरबों बरस पुराना है, तो समय के साथ इसमें बिदरिंग हुआ है, यानी कि समय के साथ इसमें इरोजन और बिदरिंग हुआ है। इरोजन का मतलब होता है अपक्षयन हुआ है हिंदी में। समय के साथ इसका क्या हुआ? अपक्षयन। तो अपक्षयन होने से क्या हुआ कि इसकी हाइट भी नीचे गिरी है, और चूंकि उसमें टूट फूट हुआ है इसके आसपास से, तो उसकी चौड़ाई और ऊंचाई दोनों में क्या हुआ है? कमी हुआ है। और उस कमी के बाद जो बच के हमारे पास आया है वो आज अवशिष्ट है। तो अवशिष्ट का मतलब क्या होता है? बचा खुचा। तो अरबों वर्ष में जो बच करके हमारे पास आज अरावली दिखाई दे रहा है, इसलिए उसको बचा खुचा पर्वत कहते हैं, यानी कि अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, यानी कि उसको हम रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। इस बात को समझ लीजिएगा। अब एक पॉइंट मैंने यहां बताया, इरोजन या अपरदन जैसे शब्दों का प्रयोग किया मैंने यहां पे, पॉइंट रखिएगा। इरोजन, तो फैक्टर ऑफ इरोजन क्या है वो जरा मैं आपको बता दूं कि कौन ऐसे कारक है जो अपरदन के लिए उत्तरदायी है। फैक्टर्स टू रिस्पॉन्सिबल फॉर इरोजन, कहीं भी कौन ऐसे फैक्टर्स है, ध्यान रखिएगा, कौन ऐसे कारक है जो अपरदन के लिए उत्तरदायी है। हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूं मैं, आराम से सुनिए और लिखिए वीडियो को रोक रोक करके। तो फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है वो है रिवर्स, यानी नदियां, ये भी इरोजनल कारण होता है। बारिश यानी कि रेनफॉल ये भी वर्षा का कारण बनता है। रेनफॉल, विंड, हवा ये भी वर्षा का कारण बनता है। हवा ये भी इरोजन का कारण बनता है, यानी कि ये भी क्या होता है? अपरदन का कारण बनता है। टेम्परेचर लिख करके मैं छोड़ दिया। तापमान ये भी आपका इरोजन या अपरदन का कारण बनता है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ इरोजन, रिवर, रेनफॉल, विंड, टेम्परेचर आर द फैक्टर्स ऑफ इरोजन। ये बात ध्यान रखिएगा, किसी भी किताब पढ़ेंगे मुख्य रूप से आपको ये चार, हो सकता है एक दो और बता दें, लेकिन ये मुख्य रूप से चार नजर आता है साफ साफ तरीके से कि नदियां, वर्षा, हवा और तापमान ये जो है ना आपके इरोजन के फैक्टर है। चलिए ठीक है, तो इनके कारण इसमें क्या हुआ? इरोजन हुआ, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। चलिए अरावली के विस्तार के बारे में बात करते हैं, यानी कि इसका एक्सपेंशन कहां से कहां तक है। ध्यान दीजिएगा, ये इलाका आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, मैं आपको थोड़ा सा कलर कर दूं, ये इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है ये गुजरात का इलाका है, ये जो यहां पे दिखाई दे रहा है ये दिल्ली का इलाका है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली कहां से कहां तक है? फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, जीजे टू डीएल मैंने कर दिया है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि लिखा हुआ आपको सब मिल जाएगा। गुजरात से दिल्ली, कभी भी अगर आप दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जहां है वो पूरा अरावली पे है, जेएनयू जो है ना वो पूरा अरावली पे है, ध्यान रखिएगा। और जो भी आप यहां पे देखते हैं, जो आपका संसद भवन है या फिर जो आपका राष्ट्रपति भवन है, ये सारे के सारे अरावली पे ही है, लेकिन वहां पे अरावली दिखाई नहीं देगा क्योंकि वहां पे आपको रोड बंद दिखाई देगा या थोड़ा प्लेन दिखाई देगा। वो इसलिए दिखाई नहीं देगा संसद भवन के सामने में या राष्ट्रपति भवन के सामने में या इंडिया गेट के सामने में अरावली, क्योंकि वो रेसिडुअल माउंटेन है और इतना घिस पिट गया है कि वहां पे नीचे के लिए एकदम बिल्कुल मैदान में मिल गया है। लेकिन इट इज द पार्ट ऑफ अरावली, याद रखिएगा, जिसको रायसीना हिल कहते हैं दिल्ली में, तो रायसीना हिल इज द पार्ट ऑफ अरावली, लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, ये मैंने शायद नोट्स में नहीं लिखा है, रायसीना हिल इज द पार्ट ऑफ अरावली, रायसीना हिल के ब्रैकेट में दिल्ली कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और दिल्ली में मजनू के टीला, एक शब्द है मजनू का टीला, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास में है, वहां तक अरावली का विस्तार है। तो अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है? गुजरात से दिल्ली तक, दिल्ली में मजनू का टीला और रायसीना हिल्स, रायसीना हिल का मतलब हो जाता है आपका राष्ट्रपति भवन और जो भी आपका क्या बोलते हैं वो इंडिया गेट है, वो सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए ठीक है, ये बात लिख लीजिएगा अपने कॉपी में पक्का। अरावली के विस्तार की बात कर लिए, अरावली की अगर चोटी की बात करें तो इसकी हाईएस्ट चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर हाईएस्ट चोटी का क्या है? गुरु शिखर, माउंट आबू पे है, गुरु शिखर माउंट आबू पे। और इसी माउंट आबू पे दिलवाड़ा का जैन टेम्पल है, द फेमस जैन टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा लोकेटेड ऑन माउंट आबू। ये बात आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लीजिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है अरावली के बारे में। चलिए ठीक है, अरावली के पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो अरावली के वेस्ट में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट की बात करें, यानी उत्तर और पश्चिम की बात करें, तो आपको यहां पर मैं एक छोटा सा गोला घेर दूं, तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये बिल्कुल थार मरुस्थल है। तो अरावली के वेस्ट में क्या है? थार मरुस्थल है, थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट अरावली के बिल्कुल उत्तर पश्चिम में। और अरावली से कुछ नदियां भी निकलती है जिसमें लूनी, साबरमती, बनास इंपॉर्टेंट है। लूनी जानते हैं, द फेमस लूनी जो राजस्थान
से बहती है और रण कक्ष में जाकर के मिल जाती है। साबरमती जानते हैं, साबरमती के संतु ने कर दिया कमाल, ये आकर के क्या बोलते हैं कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे में आकर के मिल जाती है कैम्बे। ये गल्फ ऑफ कैम्बे है, यहाँ जो दिख रहा है ये गल्फ ऑफ कैम्बे है जहां पे उंगली में नचा रहा हूं, और ये आपका साबरमती है। और बनास जाकर के चंबल में मिल जाती है, बनास जाकर के किस में मिल जाती है, चंबल नदी में। तो ये बनास है जो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है ना, मैं यहाँ पे एरो बना दू, जो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है दैट इज बनास, जो यहाँ पे गल्फ ऑफ कैम्बे में आ जा रहा है दैट इज साबरमती, और रन ऑफ कक्ष में जाकर के जो मिल रहा है दैट इज लूनी। तो ये प्रमुख नदियां हैं जो अरावली से निकलती है। तो अरावली के बारे में मुझे लगता है मैंने बहुत सारा पॉइंट आपसे डिस्कस कर दिया। अब मैं देखता हूं कि मैंने क्या-क्या लिखा है और जो अभी तक मैंने बात किया उसके संदर्भ में, ठीक है। धीरे-धीरे मैं पढ़ाते चलूंगा और अपने नोट्स को यहां पे आपके साथ डिस्कस करते हुए चलूंगा। चलिए ठीक है, मैंने क्या लिखा पेनिनसुलर इंडिया के बारे में। सबसे पहले लिखा कि ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो भारत का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है, बिल्कुल सही है, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सही है, ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि इट्स ब्रेक फ्रॉम अफ्रीकन प्लेट, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि अफ्रीकन प्लेट से ब्रेक हुआ है, और ये बात आप जाकर के जब मैंने बार बार रेफरेंस दिया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के वीडियो को, उसको आगे जाकर के आप देख लीजिएगा, उसमें प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी भी आपको मिल जाएगा और हिमालय निर्माण की प्रक्रिया भी, या फिर कोई भी पर्वत निर्माण की प्रक्रिया भी आपको समझ में आ जाएगा, खास करके बलित पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया जो कि टेक्टोनिक थ्योरी के कारण बनता है। चलिए ठीक है, पेनिनसुलर। उसके बाद मैंने कहा पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, वहां भी ये बात मिल जाएगा, और आज भी मैंने बता दिया कि गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ट्रायंगल इन शेप, मैंने आपको शेप दिखाया था किस तरीके से बना करके, वो ट्रायंगल इन शेप है। ये बात हमने पेनिनसुलर इंडिया के बारे में बताया, और भी कुछ कुछ बातें मैंने आपको बताया था, वो बात आपने जरूर अपने कॉपी में नोट कर लिया होगा। ध्यान रखिए वीडियो को पीछे करके आप नोट कर लीजिए, जहां पे नोट्स आपको मिलेगा वहां पे। चलिए ठीक है, अब हम बात कहां से शुरू किए थे, अरावली से। तो अरावली को देखते हैं, इट इज कॉल्ड रेसिडुअल माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, ये बात हमने बताया। हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, मैं हिंदी ही बोल रहा हूं, लिखा हुआ इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, दुनिया के सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। कहा जाता है कि पृथ्वी के निर्माण के प्रक्रिया के समय, जब प्लेटें के टूटने के समय में ये अरावली का भी निर्माण हुआ था, तो अरबों वर्ष पहले अरावली का निर्माण हुआ। एक्सपेंशन कहां से कहां, गुजरात से दिल्ली तक। यहां पे जो रिज मैंने लिखा है वो दिल्ली का जो रिज एरिया है, जिसको हम लोग रायसीना हिल्स बोलते हैं, रायसीना रिज बोलते हैं, या मजनू के टीला तक ये पूरा का पूरा फैला हुआ है, जिसमें हमने बहुत सारी बातें की। एवरेज हाइट 300 मीटर से 900 मीटर है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि समय के साथ बहुत सारे इसमें क्या बोलते हैं इरोजन हुआ, अपरदन हुआ है, तो उसके कारण इसकी हाइट और इसकी विड्थ दोनों में क्या हुई, कमी हो गई है। हाईएस्ट पीक इसका गुरु शिखर, ये बात मैंने बताया, 1722 मीटर है, माउंट आबू के नजदीक, और वहीं पे मैंने आपको कहा कि जैन टेंपल ऑफ दिलवाड़ा लोकेटेड हियर, दिलवाड़ा का जैन टेंपल भी यहीं पे है, ये भी बात मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने होगा कि लूनी, साबरमती, बनास रिवर यहां से निकलती है, ये बात मैंने आपको पहले बताया है, और इसका थार डिजर्ट लोकेटेड वेस्ट ऑफ अरावली, ये भी बात मैंने आपको बताया। तो जो भी बात मैंने बताया वो सारी बात यहां पे पॉइंट लिखा हुआ है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी करना वो कर लीजिए, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो वीडियो को रोक करके लिखिए, जैसे करना कीजिए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पॉइंट को पढ़ाते हुए अगर कुछ ज्यादा या कम हो जाए तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको नोट करना, कम होगा तो यहां से पूरा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो यहां के पूरा होने के बाद आप लिख लीजिएगा, लेकिन छोड़िएगा कोई पॉइंट नहीं, चाहे वहां बोलूं या यहां बोलूं, क्योंकि जिस समय पढ़ा रहता हूं होता हूं उस समय कुछ नए नए पॉइंट्स आते रहते हैं और वो मैं आपको डिलीवर करते रहता हूं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैप के साथ ही हम लोग बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग दूसरा मैप में क्या बात करेंगे, दूसरा बात करेंगे अरावली के बाद विंध्यन रेंज का। तो यहां पर देखो विंध्यन रेंज है, और ये कहां से कहां तक है, तो मैं आपको एक बार खींच के ही बताता हूं, आप यहां पर देख लीजिएगा कहां से कहां तक ये विंध्यन रेंज। ये विंध्यन रेंज है, ठीक है, विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज के बारे में अगर हम बात करें यहां पे ध्यान से समझिएगा, तो ये एमपी से लेकर के, ध्यान रखिएगा मैं जो बात कर रहा हूं, ये एमपी से लेकर के और कहां तक फैला हुआ है, तो झारखंड तक, फ्रॉम एमपी टू झारखंड। झारखंड में छोटा नागपुर के प्लाटेऊ तक फैला हुआ है, तो मैं यहां पर लिख दू छोटा नागपुर, झारखंड के छोटा नागपुर के प्लाटेऊ तक ये फैला हुआ है झारखंड। यहाँ पे देख लो ये झारखंड है, ठीक है, छोटा। और बिहार का भी जो आपको कैमूर की पहाड़ देखते हैं वो विंध्यन रेंज का ही पार्ट है, तो ये बात भी आप लिख लीजिएगा, कैमूर इज पार्ट ऑफ विंध्यन
रेंज, ये बात जरूर लिखिएगा, ये शायद आपके नोट्स में नहीं होगा तो मैं आपको पहले बता दूं कि आपके नोट्स में नहीं होगा। कैमूर बिहार का कैमूर विंध्यन का ही पार्ट है, विंध्यन रेंज का ही एक भाग है, ये बात आप लिख लीजिएगा। जो बिहार का यहाँ पे कैमूर दिखाई दे रहा है, ये इलाका जो यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने आपको पेन अभी चलाया है, ये तो दिस इज द पार्ट ऑफ विंध्यन रेंज, ध्यान रखिएगा ये। और ये चूंकि झारखंड तक फैला हुआ है, चलिए ठीक है, विंध्यन रेंज के बारे में बात कर लिए। विंध्यन रेंज के बारे में और भी बात करें कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करती है, ध्यान रखिएगा, इट डिवाइड नॉर्थ इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया। तो यहां पर देखना किस तरीके से, मैं आपको यहां पर बताता हूं, देखो ये नॉर्थ इंडिया है पूरा का पूरा और ये साउथ है पूरा का पूरा, तो नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से क्या करती है, डिवाइड करती है, बांटती है, अलग करती है, है ना, सेपरेट नॉर्थ इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया, या ऐसे लिखिए सेपरेट साउथ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, जैसे करे वैसे कर लीजिए। विंध्यन रेंज के बारे में ये बात हमने आपको बता दिया है, ठीक है, चलिए पॉइंट हो गया विंध्यन रेंज के बारे में। विंध्यन रेंज से अगर नदियों की बात करें तो बहुत सारी नदी निकलती है, पार्वती है यहाँ पे, बेतवा है, माही है, चंबल है, बहुत सारी नदियां निकलती है। मैं फिर से बता दूं, माही, चंबल, पार्वती, बेतवा, ये सारी नदी विंध्यन रेंज से निकलती है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये विंध्यन रेंज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, विंध्यन रेंज, ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। अब देखते हैं कि विंध्यन रेंज के बारे में हम क्या क्या नोट्स किए हैं और क्या क्या मैंने आपको बताया है, ध्यान रखिएगा। बिहार वाला पॉइंट जरूर आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैंने ये वहां पे नहीं लिखा है, चलिए ठीक है। विंध्यन रेंज के बारे में देखते हैं क्या लिखा है कि ओल्डेस्ट रेसिडुअल फोल्ड माउंटेन है, पुरानी बलित पर्वत, जो बलित और अवशिष्ट पर्वत का एक रेंज है। एक्सपेंशन मालवा प्लाटेऊ एमपी टू छोटा नागपुर प्लाटेऊ झारखंड, यानी कि एमपी से झारखंड तक इसका पूरा का पूरा विस्तार है, जिसमें मैंने बताया कि झारखंड का छोटा नागपुर एमपी में मालवा के प्लाटेऊ से इसका विस्तार है, तो इसको जरूर अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। मालवा से मैं आपको दिखा दूंगा कि कहां पे है, 1200 किलोमीटर इसका पूरा का पूरा विस्तार है, तो ये जरूरी नहीं कि 1200 किलोमीटर में यहां पे लिखे क्योंकि इतना आपको क्वेश्चन पूछेगा नहीं। एवरेज हाइट जिसका 450 मीटर से 600 मीटर है, ये बात ध्यान रखिएगा। सेपरेट नॉर्थ इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया, और यहां पे मैंने जो बात किया कि कैमूर रेंज ऑफ बिहार इज पार्ट ऑफ विंध्यन रेंज, ये भी बात आप कर लीजिएगा। और जो नदियां मैंने बताया कि माही वगैरह पार्वती के बारे में बात किया, वो यहीं से निकलती है। अब जरा एक बार देखते हैं कि मालवा प्लेटू कहां है, एक और दूसरा, उसके बाद हम लोग दूसरे रेंज के बारे में बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये मालवा प्लाटेऊ है, अगर मैं यहां पे थोड़ा सा दूसरे कलर से कर दूं अगर आपको दिखाई दे, तो ये मालवा प्लाटेऊ, ये जो पार्ट है एमपी का, ये मालवा प्लाटेऊ का पार्ट, ठीक है। तो यहां से लेकर के छोटा नागपुर, ये छोटा नागपुर प्लाटेऊ का पार्ट, छोटा नागपुर तक इसका क्या है, फैलाव है, छोटा नागपुर तक इसका फैलाव है, चलिए। विंध्यन रेंज हो गया, ये विंध्यन रेंज है बेटा, ध्यान रखिएगा, विंध्यन रेंज, ठीक है ना। चलिए विंध्यन रेंज के बाद हम लोग बात करते हैं सतपुरा रेंज के बारे में, सतपुरा, ठीक है। तो मैं यहां पे ठीक नीचे इसके सतपुरा कर दूं, अगर मैं कलर दूसरा ले लूं तो सतपुरा, ये सतपुरा रेंज है जो मैंने इस कलर से बनाया है, ये सतपुरा रेंज है, ठीक है, नीचे सतपुरा। अब सतपुरा रेंज के बारे में हम लोग बात करें तो देखो, सतपुरा को ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है, सतपुरा को क्या कहा जाता है, ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है, ब्लॉक माउंटेन, सतपुरा को ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। ब्लॉक माउंटेन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं कैसे बनता है, और फिर हम सतपुरा के बारे में और भी आगे पॉइंट बताएंगे। देखिए ब्लॉक माउंटेन क्या होता है कि मान के चलो कि ये एक जगह है, ठीक है, ये एक जगह है, समतल सा जमीन है, समतल सा जमीन है, किसी समय में किसी वजह से हो क्या गया है कि इसमें एक तरीके का धसाव आ गया, यानी कि ये एक नीचे की तरफ धस गया है। कैसे धस गया है वो मैं आपको थोड़ा सा दूसरे कलर से बता दूं, कुछ इस तरीके से इसमें एक धसाव आ गया है, नीचे की तरफ धस गया, नीचे की तरफ धस गया। तो जब दोनों तरफ से नीचे की तरफ धसा, तो यहां से अगर इसको देखे तो एक माउंटेन की तरह दिखाई देगा, यहां से अगर इसको देखे तो एक माउंटेन की तरह दिखाई देगा। तो ये जो पार्ट है ये आपको क्या कहला जाएगा, ये कहला जाएगा ब्लॉक माउंटेन, ये कहला जाएगा ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये क्या कहला जाएगा, तो ये कहला जाएगा रिफ्ट वैली, यानी कि व्रंश घाटी, व्रंश
रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी कहला जाएगा। ठीक है, तो सतपुड़ा जहां पे है वहां पे ध्यान रखिएगा उसके दोनों तरफ क्या है, भ्रंश है। सतपुड़ा के दोनों तरफ भ्रंश है और सतपुड़ा के दोनों तरफ जो भ्रंश है उसके एक भ्रंश से मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं ब्लू कलर ले लूं और ब्लू कलर से एक नदी बहाता हूं। ठीक है, ब्लू कलर से एक नदी बहाता हूं, आई होप आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे तो समझ लो ये नदी है। ब्लू कलर से एक नदी बहाया हूं और इसका नाम है, नामकरण मैं व्हाइट कलर से कर दूं, नर्मदा, नर्मदा। और फिर से एक ब्लू कलर ले लूं और ब्लू कलर से फिर से नदी में एक बहाऊं तो इसको भी मैं इस तरीके से बहा रहा हूं ये, और इसका भी नामकरण कर दूंगा व्हाइट कलर से, और दैट इज कॉल्ड तापी या ताप्ती। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान दीजिएगा तो सतपुड़ा के एक तरफ नर्मदा बहती है, सतपुड़ा के दोनों तरफ तापी बहती है और दोनों के दोनों भ्रंश घाटी में बहती है यानी कि रिफ्ट वैली में बहती है। तो सतपुड़ा यानी कि जहां कहीं भी ब्लॉक माउंटेन होगा, यानी सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन है, दुनिया में कहीं जहां कहीं ब्लॉक माउंटेन होगा, चाहे जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट कर लीजिए या फिर सॉल्ट रेंज कर लीजिएगा पाकिस्तान का, तो जहां कहीं भी आपको ब्लॉक क्या बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन मिलेगा उसके दोनों तरफ क्या भ्रंश घाटी मिलेगी। और भारत में जो सतपुड़ा है उसके एक तरफ में मैं आपको दूसरे कलर से बना दूं, उसके एक तरफ से क्या बहती है नर्मदा, दूसरी तरफ से क्या बहती है तापी। ध्यान दीजिए ये देखो ये नर्मदा बह रही है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये नर्मदा बह रही है, नर्मदा, और इस तरफ अगर आपको दिखाई दे रही है तो ये तापी बह रही है, तापी। ठीक है, देखो सतपुड़ा के एक तरफ तापी और दूसरी तरफ नर्मदा, जो ऊपर वाला तरफ है वो नर्मदा का, नीचे वाला है वो क्या इसका है तापी का है। देख लीजिए एक तरफ तापी एक तरफ नर्मदा। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि नर्मदा कौन से दो रेंज के बीच में बहती है, तो दैट इज विंध्यन और सतपुड़ा, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में बहती है नर्मदा, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में बहती है, क्वेश्चन है। और भ्रंश घाटी में कौन सी बहती है, तो नर्मदा। हालांकि नर्मदा नदी के रूप में जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पे हम ये बात फिर से करेंगे, मैं आपको पहले बता दूं एडवांस में कि तीन नदियां हैं भारत में जो कि भ्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा, तापी और दामोदर। नर्मदा, तापी और दामोदर, और दामोदर के बारे में हम खुद अभी तुरंत बात करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा ये क्या है सतपुड़ा के बारे में बात कर रहे हैं। सतपुड़ा क्या है, ब्लॉक माउंटेन का एक एग्जांपल है। अब सतपुड़ा से लगे हुए ही पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो दूसरे पॉइंट्स को यहां पे ले लेते हैं सतपुड़ा से। ठीक है, दूसरे पॉइंट्स को क्या लेंगे, देख लीजिए सतपुड़ा का ही एक विस्तार रेंज है, ध्यान रखिएगा सतपुड़ा का ही विस्तार रेंज है, यहां पे मैकाल रेंज सतपुड़ा का ही विस्तार रेंज है, और यहां पे जो अमरकंटक की पहाड़ी है वो मैकाल रेंज का सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, और इसी अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, इसी अमरकंटक से सोन भी निकलती है। तो ध्यान रखिएगा ये अमरकंटक जो है ना सतपुड़ा यानी कि मैकाल रेंज है ना वो सतपुड़ा का ही एक क्या है विस्तार है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब हम अमरकंटक की बात करते हैं तो वो एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे पड़ता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और चूंकि जो मैं बताया हूं उसको नोट्स के रूप में देखते हैं, तो देखते हैं कि हमने क्या-क्या यहां पे लिखा है सतपुड़ा के बारे में। देखिए सतपुड़ा के बारे में क्या लिखा है, इट इज अ ब्लॉक माउंटेन, ये बात हमने यहां पे बता दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा है, नर्मदा और तापी फ्लो इन रिफ्ट वैली इन ईदर साइड ऑफ सतपुड़ा। मैंने आपको बताया किस तरीके से रिफ्ट वैली बना, एक तरफ से नर्मदा दूसरी तरफ से तापी बहती है, डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, राजपीला हिल्स, महादेव और मैकाल। मैंने मैकाल रेंज के बारे में बात बताया, महादेव हिल्स के बारे में नहीं बताया, तो वही महादेव हिल्स के बारे में बात अभी यहां कर रहे हैं। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक लोकेटेड ऑन महादेव हिल्स, धूपगढ़ महादेव हिल्स की सबसे ऊंची चोटी, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, कई बार आया है, तो प्लीज इसको इग्नोर मत करना, मेरे से समझाते समय उसमें छूट गया है इसलिए सॉरी, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना। धूपगढ़ महादेव हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा, जो पंचमढ़ी के पास है, कभी कभी पंचमढ़ी भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अमरकंटक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मैकाल रेंज, ये बात मैंने आपको बताया कि अमरकंटक मैकाल रेंज का सबसे ऊंची चोटी है जहां से नर्मदा और सोन जैसी नदियां निकलती है, ये बात मैंने बताया, नर्मदा एंड सोन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक, ये बात मैंने आपको बताया। तो ये बात तो मैंने बता दिया, लेकिन धूपगढ़ वाली बात उसमें नहीं बताया था, तो इसको अपने नोट्स में जरूर कर लीजिएगा। धूपगढ़ वाली बात अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो धूपगढ़ इज हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज, धूपगढ़ सतपुड़ा, ठीक है, जो कि दिखाई दे रहा है धूपगढ़, तो धूपगढ़ इज हाईएस्ट पीक। अब ये चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिएगा, सतपुड़ा के बाद हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सतपुड़ा के बाद हम लोग बात करते हैं छोटा नागपुर के बारे में। तो छोटा नागपुर के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा कुछ कुछ चीजों को मैं मिटाता हूं, ये पूरा का पूरा छोटा नागपुर का पार्ट है, पूरा का पूरा झारखंड का जो इलाका है वो छोटा नागपुर का पार्ट है। ठीक है, पूरा का पूरा किसका पार्ट है, छोटा नागपुर का। और यही नहीं, छोटा नागपुर का पार्ट ये बढ़ करके मेघालय तक चला जाता है, मेघालय तक, जरा हम इसके बारे में बात कर ले, ठीक है, इसके बारे में बात कर ले, मेघालय तक चला जाता है, ध्यान रखिएगा ये।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए छोटा नागपुर के बारे में बात करें तो इसको रूर ऑफ इंडिया कहते हैं। छोटा नागपुर को क्या कहते हैं? रूर ऑफ इंडिया। इसको रूर ऑफ इंडिया कहते हैं, रूर ऑफ इंडिया। रूर ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? तो रूर जर्मनी का एक क्षेत्र है, रूर जर्मनी का एक क्षेत्र है जो अपने खनिज के लिए जाना जाता है। रूर जर्मनी का एक क्षेत्र है जो अपने खनिज के लिए जाना जाता है। उसी तरीके से हमारा छोटा नागपुर का जो इलाका है वो भी अपने खनिज के लिए जाना जाता है। तो उसके कंपैरिजन में हमने भारत का रूर कह दिया छोटा नागपुर का, और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहां पर भी खनिज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और जर्मनी के रूर क्षेत्र में भी खनिज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप जर्मनी के कभी पढ़ेंगे वर्साय की संधि, उसमें फ्रांस ने जर्मनी के रूर क्षेत्र को ले लिया था। कब तक? जब तक कि पूरा का पूरा युद्ध में जो हुए खर्चा फ्रांस का वो लौटा नहीं देता है। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बात है, मैंने आपको बस रिफरेंस में बात कर लिया। तो रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए छोटा नागपुर को पेनी प्लेन भी कहते हैं, संप्राय मैदान, पेनी प्लेन भी कहते हैं, पेनी प्लेन संप्राय मैदान भी कहते हैं छोटा नागपुर का। संप्राय मैदान इसलिए कहते हैं क्योंकि छोटा नागपुर का जो पूरा का पूरा प्लेटेऊ है एकदम से घिस पिट करके और मैदान की तरफ बन गया पूरा का पूरा प्लेटेऊ। तो इसलिए इसको संप्राय मैदान का एग्जाम्पल देते हैं, पेनी प्लेन का एग्जाम्पल देते हैं छोटा नागपुर का। छोटा नागपुर से जो नदियां निकलती है, अगर हम उसके में बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि यहां से नदी निकलती है, मैं आपको लिख देता हूं, स्वर्ण रेखा नदी। नाम सुना होगा दामोदर, इसका नाम तो जरूर सुना होगा, दामोदर नदी। ये छोटा नागपुर से निकलती है। और अगर दामोदर नदी को मैं यहां पे दिखाऊं तो ध्यान दीजिएगा, ये दामोदर नदी इस तरीके से निकल करके और जाकर के किससे मिल जाती है, यहां पे देख लीजिए, हुगली में मिल जाती है जो कि गंगा का ही एक पार्ट है। इसमें जाकर के दामोदर निकल जाती है और ये भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में कैसे? भ्रंश घाटी में। तो जब दामोदर नदी यहां से निकलती है ध्यान दीजिएगा तो छोटा नागपुर के प्लाटेऊ को दो भागों में बांट देती है। ऊपर का पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा होगा बड़े गौर से देखिएगा, जहां से दामोदर नदी निकली इसके ऊपर का पार्ट को हजारीबाग का प्लाटेऊ कहते हैं और इसके नीचे के पार्ट को छोटा नागपुर का प्लाटेऊ कहते हैं। यह बात मैंने नोट्स में नहीं बताया है लेकिन मैं यहां पे बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, अपने नोट्स में कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके ऊपर के पार्ट को हजारीबाग का प्लाटेऊ और नीचे के छोटा नागपुर का प्लाटेऊ कहते हैं। ऑल टोल छोटा नागपुर का प्लाटेऊ ही कहते हैं। तो यहीं से दामोदर नदी निकलती है जो भ्रंश घाटी से बहती हुई और कहां जाकर मिल जाती है, हुगली में, जो कि गंगा का ही एक पार्ट है। गंगा को ही दूसरे नाम से कलकत्ता में हुगली कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहां पे देखिएगा, यहां से देखिएगा ये निकल रही है कौन सी नदी, देखिए ये निकल रही है स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी भी छोटा नागपुर से ही निकलती है जहां पे सोने के कण पाए जाते हैं। ये बात आप जानते हैं और ये सही बात है। ठीक है, सोने के कण पाए जाते हैं तो स्वर्ण रेखा नदी यहां से निकलती है छोटा नागपुर से। अब छोटा नागपुर के बारे में अगला पॉइंट क्या है, ध्यान रखिएगा कि छोटा नागपुर चूंकि पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको ब्लैक कलर से देखो यहां पे घेरा है, तो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट आपको दिख रहा है, पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट। लेकिन इसी छोटा नागपुर का पार्ट है आपका कौन सा, मेघालय के शिलोंग का पठार। क्योंकि मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। तो शिलोंग का पठार कहां है, मेघालय में, सिंपल पॉइंट है। तो शिलोंग का पठार इज द पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लाटेऊ, इस बात को ध्यान रखिएगा। शिलोंग का पठार छोटा नागपुर प्लाटेऊ का एक्सटेंडेड पार्ट है, यानी कि विस्तारित रूप है। यह बात समझ में आ गया। और उसी शिलोंग के पठार पे गारो, खासी और जयंतिया तीन हिल है, ध्यान रखिएगा। गारो मैं यहां पर थोड़ा सा दूसरे कलर से बना दू आपको, तीनों ध्यान दिखाई देगा आपको, आप गौर से देखिएगा, गारो, खासी और जयंतिया, ये जो तीन है ये मेघालय में है, शिलोंग के पठार पर स्थित है। और ये तीनों नाम वहां के जनजातियों के नाम पे ही है। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में आपको खासी विद्रोह जरूर वहां पे दिखाई देगा, चतुर सिंह के नेतृत्व में खासी विद्रोह जरूर आपको मिलेगा। तो ये खासी, गारो, खासी, जयंतिया है। और इसी खासी पे आपको मिलेगा मौनीसराम, जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, पहले चेरापूंजी था वो भी इसी खासी पे स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, गारो, खासी और जयंतिया, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे किसी भी प्रकार, गारो, खासी, जयंतिया किसका पार्ट है, छोटा नागपुर का पार्ट है, शिलोंग का पठार किसका पार्ट है, छोटा नागपुर का पार्ट है, या फिर ऐसे पूछे गारो, खासी, जयंतिया किसका पार्ट है, तो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। चूंकि छोटा नागपुर का प्लाटेऊ किसका पार्ट है, पेनिनसुलर इंडिया का, और ये अगर छोटा नागपुर का पार्ट है तो ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट भी हुआ ना, रीजनिंग लगाओ। अगर छोटा नागपुर पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है और शिलोंग का पठार छोटा नागपुर का पार्ट है तो इसका मतलब है कि शिलोंग का पठार पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। तो ध्यान रखिएगा, शिलोंग का पठार अगर ना भी समझ में आए तो एक लाइन में लिख लो, शिलोंग का पठार प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, शिलोंग के पठार पे स्थित गारो, खासी और जयंतिया प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन के रूप में बात करें तो प्लाटेऊ ऑफ शिलोंग इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लाटेऊ, शिलोंग का पठार छोटा नागपुर प्लाटेऊ का विस्तारित भाग है।
चलिए ये बात समझ में आ गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको कभी भी आप पूर्वांचल में नहीं मत रखिएगा, इसको कभी भी आप पूर्वी हिमालय के पार्ट में नहीं रखेंगे मेघालय को, ठीक है। चलिए, हालांकि समझाने के लिए मैंने उस समय समझा दिया होगा, लेकिन अभी मैं बिल्कुल क्लियरली और बिल्कुल कंसेप्चुअली बात आपसे कर रहा हूं, इसको गलत मत कीजिएगा, एग्जाम में गलत हो जाएगा, पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। अब छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली है, देखते हैं कि हमने क्या क्या आपको बताया है और फिर हम सीधे सीधे चले आएंगे डेक्कन प्लेटू के बारे में, ठीक है। चलिए, छोटा नागपुर के प्लेटू, रूर ऑफ इंडिया, ये बात हमने आपको बता दिया। उसके बाद आता है शिलांग प्लेटू इज द पार्ट ऑफ, इसके बारे में तो हमने पूरी कहानी यहाँ पे रुक रुक करके बताया। गारो खासी और जयंतिया इज द पार्ट ऑफ शिलांग प्लेटू और ये वहां के ट्राइबल ग्रुप के नाम पे ही ये पॉइंट है। चलिए ठीक है, राजमहल हिल्स इज द पार्ट ऑफ, वहां पे राजमहल हिल्स है जो बंगाल में पड़ता है, मतलब झारखंड और बंगाल का बॉर्डर है राजमहल हिल्स, वो भी छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट है, ठीक है। दामोदर स्वर्णरेखा नदी यहां से निकलती है, ये बात हमने आपको बता दिया। और पेनी प्लेन का उदाहरण भी मैंने आपको बताया कि छोटा नागपुर is an example of पेनी प्लेन, छोटा नागपुर जो है ना संप्राय मैदान का एग्जाम्पल है, ये बात में हमने आपको बता दिया, चूंकि कितना घिस पीट गया है कि वो मैदान जैसा इलाका है। चलिए ठीक है, ये बात बता दिया और भी बहुत सारी चीजें मैंने छोटा नागपुर के बारे में बताया हुआ, तो उसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, जो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा वीडियो को पीछे करके जरूर लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं डेक्कन प्लेटू के बारे में, बात करते हैं हम लोग डेक्कन प्लेटू, तो थोड़ा सा पहले मैप से बात कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे जो नोट्स बनाए हैं उसके बारे में बात यहाँ पे कर लेंगे। हम लोग डेक्कन प्लेटू के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो डेक्कन प्लेटू को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देख लीजिए एक बार ध्यान से देखिएगा, ये आपके डेक्कन प्लेटू का पार्ट है जो हाथ में मैं आपको बना रहा हूँ, ये बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है, ये बहुत बड़ा पार्ट है डेक्कन प्लेटू का, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग तरीके से खींच रहा हूँ, ये आपका डेक्कन प्लेटू का पार्ट है, ठीक है। ये चूंकि ये भी आपको त्रिकोण दिखाई दे रहा है और डेक्कन प्लेटू बहुत बड़ा है। अब डेक्कन प्लेटू का निर्माण कैसे हुआ, तो कहा जाता है दक्षिण का जो पूरा का पूरा पठार है वो दरअसल क्या बोलते हैं, जल ज्वालामुखी प्रक्रिया का एक परिणाम है। मैं बहुत जल्दी से आपको बताता हूँ क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा बात करेंगे तो हायर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात क्लियर होगा, लेकिन मैं छोटा फटाफट बता दूं, तो ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से बना हुआ पूरा का पूरा डेक्कन प्लेटू है, जो कि ज्वालामुखी के निकलने से जो लावा और मैग्मा पूरा का पूरा नीचे की तरफ बहा, यानी कि लावा और मैग्मा जो विस्तारित हुआ अलग अलग भागों में, वो सारे के सारे प्लेटू हुए, यानी कि डेक्कन प्लेटू का पार्ट हुआ। ये बस इतना ही बात समझिए कि ओरिजिनेटेड फ्रॉम वोल्केन, बस इतना पॉइंट। अब पॉइंट ये है कि डेक्कन प्लेटू का विस्तार कहां कहां है, तो देखिए अगर पर्वत रेंज से हम विस्तार की बात करें तो इसके नॉर्थ में सतपुड़ा है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, नॉर्थ में क्या है, सतपुड़ा। देखिए यहां पे नॉर्थ में क्या है, सतपुड़ा, ध्यान दीजिएगा नॉर्थ में सतपुड़ा। इसके वेस्ट में क्या है, वेस्टर्न घाट, तो पश्चिम में वेस्टर्न घाट है, पश्चिम में वेस्टर्न घाट है। इसके ईस्ट में क्या है, ईस्टर्न घाट, तो ईस्ट में ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट है। और अगर अब इसके हम साउथ की बात करें तो साउथ में आप इसको क्या बोलते हैं, कार्डामम हिल्स इसका पॉइंट माना सकते हैं कि कार्डामम हिल्स तक इसका विस्तार है, लेकिन मैं यहाँ पे किताबी रूप से इसको नहीं माना गया है, हालांकि किताब में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। मैं आपको बात बता दूं, चूंकि एग्जाम का क्वेश्चन ही बना है तो मुझे बताना एकदम बिल्कुल नेसेसरी हो जाता है कि डेक्कन प्लेटू का विस्तार केरला में नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इनमें से कौन से राज्य में डेक्कन प्लेटू का विस्तार नहीं है, और आपसे ऑप्शन देगा मध्य प्रदेश या फिर आपसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तो केरला उसका आंसर नहीं होगा, केरल में डेक्कन प्लेटू का विस्तार नहीं है। तो अगर केरल में डेक्कन प्लेटू का विस्तार नहीं है और केरल में क्या बोलते हैं, कार्डामम हिल्स है, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि साउथ में कार्डामम हिल्स तक डेक्कन प्लेटू की विस्तार है। पॉइंट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि किताब इसको अप्रूव नहीं कर सकता है, सरकार का जो किताबें है वो इसको अप्रूव नहीं कर सकता है, तो मैं भी लिखूंगा नहीं, ठीक है, मैं बस नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट तक इसको मिला करके छोड़ देता हूं। मैंने बता दिया है लेकिन लिखा नहीं है, तो आप मेरी अंडरस्टैंडिंग को समझिएगा क्योंकि मैं कोई कंफ्यूजन में आपको नहीं डालना चाहता। नहीं लिखा है इसका मतलब कि किताब सपोर्ट नहीं करती है। चलिए ठीक है, तो नॉर्थ में सतपुड़ा है, वेस्ट में वेस्टर्न घाट है और ईस्ट में ईस्टर्न घाट है, यहां तक डेक्कन प्लेटू फैला हुआ है। अब किस किस राज्य में फैला हुआ है, तो डेक्कन प्लेटू बहुत सारे राज्यों में फैला हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो देखो ये यहाँ पे महाराष्ट्र में फैला हुआ है। मैं आपको अगर इसको मिटा करके और करने की कोशिश करूं तो देखो ठीक है, ये कहां कहां फैला हुआ, तो देखो ये महाराष्ट्र में फैला हुआ है, ठीक है, ये आपका कहां फैला हुआ है, कर्नाटका में फैला हुआ है,
कर्नाटका में फैला हुआ है, यह आपको यहां पे कहां फैला हुआ है, तेलंगाना में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, तमिलनाडु के कुछ पार्ट में फैला हुआ, कुछ पार्ट में लेकिन केरला में फैला हुआ नहीं है, ध्यान रखिएगा तेलंगाना में है। फिर ऊपर में आप यहां देखते हैं कि उड़ीसा तक इसका भाग है, उड़ीसा तक इसका फैलाव है ऊपर में, तो देखिएगा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु तक इसका पूरा का पूरा फैलाव है, लेकिन इसका फैलाव यहां पे छत्तीसगढ़ भी आप इसमें लिख सकते हैं सीजी में, लेकिन इसका फैलाव केरला में नहीं है। तो यह पॉइंट ध्यान रखिएगा, केरला में डेक्कन प्लेटू का फैलाव नहीं है, इस बात को आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। चलिए ठीक है, तो ये मैंने आपको स्टेट बता दिया, चारों तरफ से जो घिरा हुआ उसके बारे में बात यहां पे कर लिया। अब डेक्कन प्लेटू के बारे में देखते हैं कि और हमने नोट्स में क्या बताया और यहां पे मैंने क्या समझाया, क्या ज्यादा वहां पे नोट्स में शायद बता दिया होगा तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए डेक्कन प्लेटू के बारे में यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या बताया कि सराउंडेड बाय वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एंड सतपुरा, यानी कि वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और सतपुरा में यहां पे घिरा हुआ चारों तरफ, ये बात मैंने आपको बताया। कहां है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु में ये फैला हुआ है। आप उसमें और भी स्टेट जोड़ सकते हैं, द प्लेटू इज नॉट लोकेटेड इन केरला, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेटू नोन एज विदर्भा, ये बात मैंने नहीं बताया, तो मैं बताता हूं कि डेक्कन प्लेटू का जो पूर्वी भाग है उसको विदर्भ कहते हैं, बाबा बुदन हिल्स और ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका में डेक्कन प्लेटू का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। बाबा बुदन हिल्स और ब्रह्मगिरी कहां है, कर्नाटक में। दरअसल बाबा बुदन से एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछ लिया है कि किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है, और कौन से प्लेटू का पार्ट है, तो डेक्कन प्लेटू का पार्ट है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं आगे, यानी कि जो पेंसुलर इंडिया है उसके दूसरे पॉइंट के बारे ऊपर में बात करते हैं, दैट इज ईस्टर्न घाट। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर आएंगे, पहले हम वहां पे आपको समझा लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपका यहां से देखो बंगाल से लेकर के, और मैं आपको थोड़ा सा कलर से कर दूं, बंगाल से लेकर के, और आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो नीचे यानी कि यहाँ पे नीलगिरी तक इसका फैलाव है, बंगाल से के नीलगिरी तक इसका फैलाव है पूर्वी घाट का, ईस्टर्न घाट का। पूर्वी घाट के बारे में एक पॉइंट क्या देखेंगे कि ये कटा छटा है इन द सेंस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बना दूं ठीक है, कटा छटा है। ठीक है, चलिए ये पूर्वी घाट है जो कि कटा छटा किस तरीके से है, तो देखो जो पश्चिमी घाट से जितने भी नदियां निकली है, जरा मैं उसको बताऊं, वेस्टर्न घाट से जितने भी तरीके नदियां निकली है, जैसे ये गोदावरी ठीक है, मैं वेस्टर्न घाट में भी बात करूंगा, जैसे ये कृष्णा है, कृष्णा और उसकी सहायक नदी, जैसे यहाँ पे कावेरी है, कावेरी और उसकी सहायक नदियां, ठीक है, और दूसरे छोटे छोटे नदियां हैं जैसे पालार है, ठीक है, और भी छोटे छोटे नदियां, यहाँ पे आप देखिएगा महानदी है, ये यहाँ पे देखो महानदी है, तो जो नदियां आपको निकली है यहाँ पर देखो, ये ब्राह्मी नदी है इस जगह पे, यहाँ पे आप देखिएगा स्वर्णरेखा है, तो ये जो नदियां है जो पूर्व की तरफ बहती है, ध्यान रखिएगा जो पूर्व की तरफ बहती है, वो अपने रास्ते में आने वाले जितने भी पहाड़ी रीजन है, इसको बड़े गौर समझिएगा, पहाड़ी रीजन है उसको काट देती है, तो चूंकि ये पूर्व की तरफ बह रही है, आप देख रहे हैं यहां पे पूर्व की तरफ बह रही है, तो ईस्टर्न घाट जो इसको रोकने का काम करता है उसको काट दिया इन्होंने, उसको क्या किया, काट छाट दिया अपनी स्ट्रीम से, अपने क्या है, धारा से। मैंने आपको बताया कि रिवर इज द फैक्टर ऑफ इरोजन, ये बात मैंने बताया है कि नदियां जो है ना अपरदन का एक कारक होती है, और देखो यहां पे अपरदन काट छाट कर दिया, तो इसी काट छाट की वजह से वेस्टर्न घाट कटा छटा है, ईस्टर्न घाट क्या है, कटा छटा, ईस्टर्न घाट क्या है कटा छटा है, इसी वजह से ईस्टर्न घाट कटा छटा है, ये बात देखिएगा। और ईस्टर्न घाट का मैदान थोड़ा सा चौड़ा है, जब मैदानी की बात किए तो अब हम बताते हैं कि ईस्टर्न घाट का मैदान चौड़ा है, क्यों, क्योंकि ये नदियां अपने मुहाने पे डेल्टा बनाती है। अब जब अगर मैं आपको थोड़ा सा डेल्टा को हरे कलर से दिखाऊं तो देखिएगा ये डेल्टा बनाती है, ये नदियां अपने मुहाने पे क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। मैं यहां पर बना देता हूं, डेल्टा बनाती है, ये नदियां अपने मुहाने पे। तो ईस्टर्न घाट पे क्या है, ये डेल्टा बना हुआ है नदियों के मुहाने पे, हालांकि जब ह
ठीक है। तो ये पॉइंट क्यों कटाफटा ये बात समझ में आ गया। इसका फैलाव कहां से कहां तक है, तो देखो बंगाल से लेकर के और यहां पे आप देखिए नीलगिरी की पहाड़ी तक इसका फैलाव है, नीलगिरी की पहाड़ी तक, ठीक है।
इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट पिक है, सबसे इंपॉर्टेंट पिक जो एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है वो महेंद्रगिरी है उड़ीसा में। महेंद्रगिरी देखिए यहाँ पे महेंद्रगिरी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको एक हरे कलर से अंडरलाइन कर दूं। देखो ये महेंद्रगिरी है, कहाँ है? उड़ीसा में। महेंद्रगिरी इसका सबसे इंपॉर्टेंट पीक है और इसके सबसे हाईएस्ट पीक है जिंदा गदा। इसका सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? जिंदा गदा, जो एपी में है, आंध्र प्रदेश में है जिंदा गदा। ठीक है, किसका? स्टोन घाट का। स्टोन घाट और वेस्टर्न घाट एक दूसरे से कहाँ मिलती है? नीलगिरी पे। जरा नीलगिरी को मैं यहां पे ध्यान रखिएगा, दूसरे कलर से कर दूं। देखो ये नीलगिरी है, ठीक है, नीलगिरी पे स्टोन घाट और वेस्टर्न घाट एक दूसरे से क्या करती है? मिलती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम का है। और नीलगिरी एक नॉट है, एक गांठ है, जो कि स्टोन घाट, वेस्टर्न घाट और नीचे में आप देखिएगा कि अन्नामलाई और कार्डामम हिल्स का एक गांठ है नीलगिरी। ठीक है, तो चलो नीलगिरी के बारे में और ही बात करेंगे जब हम आएंगे तो। लेकिन स्टोन घाट के बारे में मैंने बात किया कि ये कटा छटा है, ये इसके मुहाने पे डेल्टा बना, नदियों के द्वारा काटा गया है, नदियां यहाँ पे मुहाने पे डेल्टा बनाती है और इसका सबसे ऊंची चोटी जिंदा गदा है। इंपॉर्टेंट पीक के रूप में महेंद्रगिरी है, यह बात हमने आपको यहां पे स्टोन घाट के बारे में बताया। अब स्टोन घाट पे अगर एक और पॉइंट बता दे, स्टोन घाट जो वर्षा प्राप्त करती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से वर्षा प्राप्त करती है, जिसको बोलते हैं लौटते हुए मानसून। तो स्टोन घाट किससे वर्षा प्राप्त करती है? लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। अब देखते हैं कि स्टोन घाट में नोट्स के रूप में हमने क्या क्या लिखा है। चलिए, स्टोन घाट के बारे में मैंने आपको बताया कि इसका जो एक्सपेंशन है वो महानदी से नीलगिरी, यानी कि उड़ीसा से नीलगिरी मैंने बताया, आप बंगाल से नीलगिरी लिख सकते हो क्योंकि बंगाल भी स्टोन घाट का पॉइंट है। चलिए, एवरेज हाइट 900 मीटर से 1100 मीटर है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पीक मैंने बताया जिंदा गदा आंध्र प्रदेश में हाईएस्ट पीक ऑफ स्टोन घाट है, ये बात मैंने आपको बता दिया। महेंद्रगिरी उड़ीसा में एक इंपॉर्टेंट पीक है बता दिया मैंने आपको। रामायण वगैरह महेंद्रगिरी के बारे में आपने सुना होगा कि यहीं पे परशुराम, भगवान परशुराम निवास करते थे। नल्ला मल्ला पालकोंडा आंध्र प्रदेश में है, जावेदी सेवराय पालनी तमिलनाडु में है और दीज आर द स्टोन घाट का पीक है और स्टोन घाट का हिल है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे, इस बात को ध्यान रखिएगा, खास करके नल्ला मल्ला पालकोंडा से क्वेश्चन पूछे और जावेदी सेवराय पालनी की पहाड़ी से क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि इसके बारे में लोग याद नहीं कर पाते हैं या बताते नहीं है, इस वजह से ये छुपा हुआ रहता है और एग्जाम का क्वेश्चन निकल के आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, नल्ला मल्ला पालकोंडा जावेदी सेवराय पालनी, नल्ला मल्ला पालकोंडा आंध्र प्रदेश में और जावेदी सेवराय पालनी तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये स्टोन घाट के बारे में हमने पॉइंट बता दिया और वर्षा के बारे में जो बात बता दिया एडिशनल था उसको आप यहां पे ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न घाट के बारे में अच्छे तरीके से, और भी बात करेंगे वेस्टर्न घाट के बारे में। चलिए, वेस्टर्न घाट को मैं यहां पे दूसरे कलर से लेता हूं, ठीक है। ये पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट है, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट जो कि गुजरात से लेकर के और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, फ्रॉम गुजरात टू, यहां पे देखिएगा, कन्या कुमारू कुमारी या पहाड़ी की अगर बात करें तो कार्डामम हिल्स तक पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट। और यही वेस्टर्न घाट है, इसको कलेक्टिवली पूरा का पूरा कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? सह्याद्री। ये सारा पॉइंट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा लेकिन मैं आपको बताता हूं, इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? सह्याद्री, यानी कि वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहा जाता है। और यही वो पार्ट है जो कि कहां से टूटा था? अफ्रीकन प्लेट से। तो इस बात को भी लिखेगा कि ब्रेक From African, ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं जानबूझ करके, अफ्रीकन प्लेट, यही वो पार्ट है जो अफ्रीकन प्लेट से टूटा था और ड्रिफ्ट होकर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आया था, ठीक है। चलिए, ये एक पॉइंट होगा वेस्टर्न घाट का। वेस्टर्न घाट को हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया कहते हैं, हॉट स्पॉट, जरा मैं आपको मिटा दूं, हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया, ठीक है। हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया से अगर क्वेश्चन पूछे तो वेस्टर्न घाट भी है, ईस्टर्न हिमालय भी है हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया के, अंडमान निकोबार भी हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया में आता है। तो खास करके दो हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, दैट इज वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालय। ये यहाँ पे दो हॉट स्पॉट बहुत ज्यादा, ईस्टर्न हिमालय का मतलब ये जो आप दिखाई दे रहे पटकाई बूम नागा हिल्स वगैरह जिसके बारे में बात हम लोगों ने कर लिया था वो, ठीक है। चलिए, तो हम लोग हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लिए। अब इस वेस्टर्न घाट में अगर हम देखते हैं तो
स्टोन घाट के अलग अलग पॉइंट से अलग अलग नदियां निकलती है अलग अलग जगहों से। जैसे अब नदी जब हम बताएंगे तो वहां पर उसका ओरिजिन वगैरह सब कुछ बता देंगे, यहीं पे सारा बात बता दिए तो फिर ओरिजिन के लिए हमको बताने के लिए कुछ नहीं रहेगा। जैसे गोदावरी स्टोन घाट से निकल रही है, देखो भीमा निकल रही है, कृष्णा निकल रही है, तुंगभद्रा निकल रही है, कावेरी निकल रही है, ये सारे के सारे नदियां स्टोन घाट से निकलती है। ठीक है ना, पॉइंट को यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा स्टोन घाट के बारे में। स्टोन घाट के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताऊं कि यहां पे पासेज है स्टोन घाट पे। क्या है पासेज, जरा मैं पासेज को बनाऊं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं पासेज को बनाऊं तो यहां पे देखो पासेज है, तीन पासेज इंपॉर्टेंट रूप से तीन पास है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। ठीक है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ठीक है, तीन पास इंपॉर्टेंटली है। तो ये पास का मतलब क्या होता है, पासेज का मतलब होता है ब्रेक। ठीक है, पासेज का मतलब एक ब्रेक या एक दरार या एक बीच का खाली स्थान दो पहाड़ों के बीच में, जहां से कम्युनिकेशन का साधन यानी कि रोड और रेल लाइन निकलती है, रोड और रेल लाइन निकलती है, वो पासेज होते हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट पास है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। हम इसके बारे में अच्छे से नोट्स में भी लिखा हुआ है, थाल घाट जो कि मुंबई से लेकर के और नासिक को जोड़ती है, उसके बाद भोर घाट जो मुंबई से पुणे को जोड़ती है, उसके बाद हमने आपको बताया था पाल घाट जो कि क्या बोलते हैं केरल को तमिलनाडु से जोड़ती है। अब पाल घाट के बारे में क्या है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में पाल घाट स्थित है। यहां पे देखो नीलगिरी है और यहीं पे अगर मैं कलर दूसरा से ले लूं यहां पे तो ये अन्नामलाई है। ठीक है, ये अन्नामलाई है, अन्नामलाई। तो अन्नामलाई और नीलगिरी के बीच में पाल घाट स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब स्टोन घाट के कुछ पीक्स के बारे में बात कर ले तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, हम आपको बताते हैं कि स्टोन घाट यानी कि या पूरे पेनिनसुलर इंडिया का सबसे ऊंचा चोटी है अनाई मुडी। सबसे ऊंचा चोटी क्या है, अनाई मुडी, जो अन्नामलाई पहाड़ी पे स्थित है। अनाई मुडी जो अन्नामलाई पहाड़ी पे स्थित है। डोड्डा बेटा एक पीक है जो कि नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट चोटी है, वो डोड्डा बेटा है। तो यहाँ पे नीलगिरी की हाईएस्ट चोटी क्या है, डोड्डा बेटा, ध्यान रखिएगा ये डोड्डा बेटा नीलगिरी की हाईएस्ट चोटी है, डोड्डा बेटा नीलगिरी की हाईएस्ट चोटी है। और नीलगिरी के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि स्टोन घाट और स्टोन घाट को यहाँ पे क्या करती है, नीलगिरी क्या करती है, मिलाती है स्टोन घाट को स्टोन घाट पे। तो ये नीलगिरी का एरिया है जो स्टोन घाट और स्टोन घाट को क्या करती है, मिलाती है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, नीलगिरी मिलाती है, क्वेश्चन एग्जाम का है कि स्टोन घाट स्टोन घाट किसको मिलाती है, नीलगिरी। नीलगिरी पे टोडा जनजाति है, टोडा जनजाति जिसमें बहुपति प्रथा है। बहुपति प्रथा मतलब एक औरत या लड़की एक से ज्यादा मर्द से शादी कर सकते हैं, बहुपति प्रथा है वहां। वो जो पूरा का पूरा जो टोडा जनजाति है वो महिला प्रधान जनजाति, महिला प्रधान। ठीक है, अब देखते हैं कि स्टोन घाट के बारे में हम लोगों ने क्या क्या लिखा है नोट्स में, और ये आपको स्टोन घाट है यहां पे पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। नोट्स दिखाते हैं आपको, चलिए नोट्स में हमने आपको बताया कि इसको सह्याद्री कहते हैं, ये बात हमने आपको बता दिया। इसका एक्सपेंशन गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है, ये बात हमने बता दिया। टोटल लेंथ 1600 मीटर है, ये बात मैंने नहीं बताया, तो टोटल लेंथ इसका कितना है 1600 मीटर, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। एवरेज हाइट 1000 मीटर से 1300 मीटर है, ये बात मैंने आपको बता दिया। इसको हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया होते हैं, ये बात हमने आपको कहा। पासेज है थाल घाट मुंबई से नासिक, भोर घाट मुंबई से पुणे, पाल घाट जिसको पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं, वो कोयम्बटूर तमिलनाडु को पलक्कड़ यानी कि केरला से जोड़ती है, ये बात मैंने बताया, केरला और तमिलनाडु को कनेक्ट करती है पालघाट। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है, ये बात भी मैंने आपको बताया। उसके अनाई मुड़ी हाईएस्ट पीक ऑफ स्टोन घाट, ये बात बताया, जो अन्नामलाई के पहाड़ी पर स्थित है। डोड्डा बेटा हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी है, ये बात मैंने आपको बताया। नीलगिरी के बारे में और भी बात बताया, नीलगिरी इज ए नॉट ऑफ स्टोन घाट एंड स्टोन घाट, स्टोन घाट और स्टोन घाट का मिलन स्थल है, एक नॉट है, जो बात यहाँ पे मैंने बताया कि मीट एट नीलगिरी। ठीक है, कार्डामम हिल्स जो कि स्टोन घाट में नीचे केरला के इडुक्की जिले में स्थित है, वो स्टोन घाट का ही पार्ट है, कार्डामम हिल्स। अब इंपॉर्टेंट इसके पीक के बारे में बात करें, चोटी के बारे में, तो अनाई मुडी है जो केरला में है, डोडा बेटा जो तमिलनाडु में, ये बात मैंने बता दिया। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, कलसुबाई महाराष्ट्र में है और कुदेरमुख कर्नाटका में, ये इसका इंपॉर्टेंट पीक है स्टोन घाट के बारे में। तो इस तरीके से हमने आपको स्टोन घाट, स्टोन घाट और पेनिनसुलर इंडिया के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पे किया है, बहुत सारी बातें, जिसमें हमने आपको अरावली के बारे में बात कर लिया, विंध्यन के बारे में बात कर लिया, सतपुरा के बारे में बात कर लिया, ये यहाँ पे आपको छोटा नागपुर के बारे में बात कर लिया, उसका एक्सटेंडेड पार्ट यहाँ पे कौन सा है, क्या बोलते हैं, मेघालय का शिलोंग का पठार की बात कर लिए,
डेक्कन प्लेटू की बात कर लिए, ईस्टर्न घाट के बारे में बात कर लिया, वेस्टर्न घाट, नीलगिरी के बारे में बता दिया, थोड़ा सा कार्डामम बता दिया जो वेस्टर्न घाट का पार्ट है जो कि केरला में है। तो ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है जिसको अच्छे तरीके से मैप से मैंने बताया है, नोट्स में मैंने बताया है। कुछ एक्स्ट्रा जो मैंने बताया है वो अपने कॉपी में जरूर ऐड कर लीजिएगा, वीडियो को पीछे आगे करके जरूर कर लीजिएगा। तो ये पेनिनसुलर इंडिया था। थैंक यू वेरी मच। आप क्वेश्चन बनाइए, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिए। अगर फिर से समझाना हो तो मैं फिर से नया वीडियो बना करके आपको समझा सकता हूँ बिल्कुल। लेकिन आप बार बार अगर वीडियो देखेंगे और एक छोटा सा नोट्स बना करके और तब नोट्स सामने में रख करके और फिर वीडियो को आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा। तब सिर्फ आप वीडियो देखिए और नोट्स को सामने में रखिए, ठीक है ना, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। मैप से मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश किया, मैप पे लोकेशन करने की कोशिश किया। आप भी ब्लैंक मैप लेकर के और खींचिए, नोट्स बनाइए, नोट्स को बिना पढ़े हुए ब्लैंक मैप पे देखिए कि कहाँ वेस्टर्न घाट है, कहाँ पे अरावली है। इससे क्या होगा कि आप मैप के साथ भी दो चार होंगे, आपका पॉलिटिकल जो फिजिकल मैप भी तैयार हो जाएगा, और मैप तैयार करने के लिए जो अलग से लोग पैसे लेते हैं और आपको बेवकूफ बनाते हैं वो आपको करने की जरूरत नहीं है। आप बस मैप के साथ जुड़ जाइए ना, जो मैंने बताया है उसको ब्लैंक मैप ले लीजिए, वहां पेन चलाइए, देखो अरावली, देखो विंध्यन, देखो मालवा, देखो सतपुरा, देखो छोटा नागपुर, देखो वेस्टर्न घाट, देखो ईस्टर्न घाट, देखो डेक्कन प्लेटू, देखो मेघालय का, करो ऐसे। ये सब पॉइंट होता है, ये करने की चीज है, जितना करोगे उतना आपको समझ में आएगा। और एक घंटा तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक घंटा दीजिए, और ज्योग्राफी क्लास में रिविजन करने की जरूरत नहीं है, मैप से आप इसको देख लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।